नमस्ते एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई रितिका गुप्ता, असिस्टेंट डायरेक्टर एट इम्प्री, इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रभाव एवं नीति अनुसंधान संस्थान। वेलकम यू टू इम्प्री हैशटैग वेब पॉलिसी टॉक। टुडे वी हैव गैदर्ड हियर फॉर अ पर्टिनेंट डिस्कशन ऑन उत्तराखंड फ्लड डिजास्टर 2.0 फ्रॉम एनालिसिस टू एक्शन, विच इज ऑर्गेनाइज बाय इम्प्री सेंटर फॉर एनवायरमेंट, क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंडिया वाटर पोर्टल एंड तरुण भारत सन। I would now like to welcome our moderator for today, Dr. Simi Mehta, who is CEO and Editorial Director at IMPRI, and Dr. Indira Khurana, who is Vice Chair at Tarun Bharat Sangh. Ma'am, over to you. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद रितिका। आप सब पैनलिस्ट को हार्दिक स्वागत इस वेबिनार के लिए। So I welcome you all on behalf of IMPRI, India Water Portal and Tarun Bharat Sangh. ये जो फरवरी 7 को चमोली में जो त्रासदी हुई, आई थिंक इसमें कोई दो राह नहीं कि हम सब को उसको देख के उसके बारे में पता जब हमें चला तो बहुत दुखी हुए हम सब। और फॉर अस इट वॉज ऑल ऑफ अस इट वॉज अ ग्रिम रिमाइंडर ऑफ द केदारनाथ फ्लड दैट हैड हैपेंड इन जून ऑफ 2013। और अभी जैसे कि हम सब जानते हैं, एनालिसिस हो रहा है कि आखिर ये हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या था। पर इसके बारे में डिस्कस करने के लिए और आगे क्या करना चाहिए, हमारी एक्शन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमारे पास आज एक बहुत अच्छा और डिस्टिंग्विश्ड पैनल है। और हमारे चेयर हैं जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह। इसके पहले कि सिमी एक ब्रीफ ब्रीफ में बताए हमारे पैनलिस्ट के बारे में, मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करना चाहूँगी कि इसको हम कैसे आगे लेके जाएंगे। शुरू में एक इम्प्री टीम ने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, वो उसको दिखाएंगे। उसके बाद हम चेयर को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी बात 5 मिनट में रखें, और फिर पैनलिस्ट को पहले राउंड में 8-8 मिनट में अपनी बात रखने का हम निवेदन करेंगे। उसके बाद एक सेकेंड राउंड करेंगे जहाँ पे 4 मिनट में अगर किसी का प्रश्न हो या हमें जो पैनलिस्ट ने बात करी उसके ऊपर हमारे कोई विचार हो तो उसके लिए हर एक पैनलिस्ट को 4 मिनट के करीब मिलेगा। और अगर हमारी जो पार्टिसिपेंट है उनका कोई प्रश्न है तो वो भी हम सामने ले आके पैनलिस्ट से क्वेश्चंस और सवाल पूछेंगे। और तीसरा और अंतिम राउंड में हम पैनलिस्ट से निवेदन करेंगे कि उनके विचार से जो एक्शन पॉइंट होना चाहिए अब से आगे क्या करना चाहिए हमको उत्तराखंड, ताकि बार बार उत्तराखंड और खासकर हिमालय में ऐसी त्रासदी ना हो। और उसके पश्चात फिर हम चेयर से 10 मिनट में उनके क्लोजिंग रिमार्क्स और सजेशंस सुनेंगे। और अंत में फिर एक वोट ऑफ थैंक्स डॉक्टर अर्जुन कुमार से, जो इम्प्री के डायरेक्टर हैं और जिन्होंने आप सबसे कांटेक्ट करके और बड़ी मेहनत करी है इस आज के इस डिस्कशन को हम सबके सामने लाने के लिए। आई रिक्वेस्ट सिमी नाउ टू इंट्रोड्यूस द पैनलिस्ट। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you so much. The chair for today's panel discussion is Shri Rajendra Singh, who is the chairman of Tarun Bharat Sangh at Alwar. He's a water conservationist and an environmentalist and is famously called the Water Man of India. He is the recipient of the Magsaysay Award 2001 and Stockholm Water Prize in 2015. Thank you, sir. Dhanyawad, sir, aaj ke session ko chair karne ke liye. We have with us Professor Mila Punya, who is the chairperson and professor at the Center for the Study of Regional Development at School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University. We have with us Ms. Nivedita Khandekar, who is an independent journalist and and writes extensively on environmental and developmental issues. Her focus is on the Himalayas and on the rivers, and her reporting trips have taken her to the remotest corners of her country. She writes very frequently for newspapers, magazines, web portals, etc. We have with us Mr. Hemant Dhyani, an environmentalist and convener of Ganga Ahvahan in Uttarakhand, which is a forum for conservation of the Ganga Himalayan basin. He
He was a member of the Supreme Court appointed expert body after 2013 June Kedarnath disaster. And then he contributed in the drafting of the Himalayan policy. Presently, he is also a member of the High Powered Committee of Supreme Court on the Char Dham project. We have with us Dr. Anjal Prakash. He is the research director and adjunct associate professor at Indian School of Business in Hyderabad. He's an IPCC author who was the coordinating lead author of the Special Report on Oceans and Cryosphere 2018 and the lead author of the ongoing sixth assessment report of IPCC. And we have with us Mr. Ranjan Bora, who is joining us from the government of Uttarakhand. He's a disaster management specialist at the Center for Public Policy and Good Governance. So I welcome you all. आप लोगों का स्वागत है और विद द परमिशन ऑफ द चेयर आई वुड इनवाइट द टीम इम्प्री टू बिगिन विद देयर प्रेजेंटेशन. थैंक यू राजेंद्र सर. डू वी हैव योर परमिशन टू बिगिन द ओ यस वेलकम. दे कैन स्टार्ट. थैंक यू सर. यस प्लीज प्रोसीड. May I request Sunidhi to start the presentation? Yeah. Hello, good afternoon, everyone. I'm Sunidhi Agarwal, joining from Jamshedpur, Jharkhand. I'm a researcher at IMPRI, and I would like to give a brief presentation on Uttarakhand Flood Disaster 2.0 from analysis to action that our IMPRI team has prepared to inform today's deliberation. On 7th February 2021, we witnessed one of the devastating effects of climate change. Most of us are still trying to come to terms with the tragedy that left a trail of death and destruction in Uttarakhand on last Sunday. A portion of the Nanda Devi Glacier broke off in Uttarakhand's Chamoli district, triggering an avalanche. This sudden flood in the Dhauli Ganga, Rishi Ganga, and Alaknanda rivers, which are all intricately linked tributaries of the Ganga, triggered widespread panic and large-scale devastation in the high mountain areas. This deluge not only led to sizable human suffering, but also other problems in terms of infrastructure projects, water supply, and significant economic disruption. Two power projects, NTPC's Tapovan Vishnugarh Hydel project and the Rishi Ganga Hydel project, were extremely damaged, with scores of laborers trapped in tunnels as the waters came rushing in. Over 190 people are missing, while the official death toll is 56. This rare event of glacier burst in Uttarakhand has not only turned the spotlight on climate change and its impact on ecology, but also brought attention to the development sphere of this fragile ecosystem. Thank you. Over to you, Indranuj. Thank you, Sunidhi. Good evening, everyone. My name is Indranuj Pathak, researcher at IMPRI, and I'm speaking here to you, everyone, from Guwahati, Assam. Glad to meet you all. Next slide, please. As you can see from this timeline of events that collates the disasters witnessed by the state of Uttarakhand in the last 20 years, the nature of it and also the scale has been really unpredictable. When it comes to the number of people getting affected, the households getting affected, and or even the infrastructure. Taking for case the 1998 Malpa landslide in the district of Pithoragarh, that should have been a wake-up call that caused a huge destruction in the state. Following in the timeline is the 2012 and the 2013 floods, the latter being much worse, which came and killed thousands of people along with destructing the social and the physical infrastructure of the state as a whole. It is also infamously known, the 2013 flood is also infamously known as the Kedarnath flood because of the damage it did to the temple premise. Then came the forest fires. The fires, although they are very common in the state and occurs at a very minute level at different portions of the state, but the fires that came along in 2016 and 20 are called upon as the most harmful in terms of the loss it created in human lives. Finally, the flood in 2021, which Sunidhi talked about briefly. Next slide, please. While these are natural disasters in terms of strict nomenclature, as to say, yet their rising frequency and the anthropogenic activities has led to being called as the climate change being one of the probable factors for all these disasters happening in the state.
Even a CWW study by the risk and adaptation team last year, they came out with a report that said 85% of the districts in Uttarakhand are hotspots of extreme floods and associated weather events. After the 2013 floods, the state and the union government started taking adequate measures, which shows in the pointers given in the slide. The Uttarakhand Disaster Recovery Project and the Uttarakhand Emergency Associate Project came into being, and I quote from the report, to restore housing and rural connectivity, building resilience of the local communities, and increasing the technical capacity of the state to respond to such disasters. Even the Supreme Court's intervention was very noteworthy, which came up with an expert committee in 2014 to look over the various hydroelectric projects that has been going on in the state. It also intervened in 2019 in the Char Dham project by building a high power committee to look over the environmental and sociological impact. The vision document 2030, which recently came out, also gives some important mitigation and adaptation measures of how to tackle the disasters that would come in the state in the future times. The conscience for climate action also grew gradually as the state came out with rules and regulations in the form of creating CESS for energy and also adopting the National Action Plan, which came into being that particular year itself in 2014. I'll pass it on to Nishi Verma, who will take the presentation forward. Thank you. Good evening, everyone. I'm Nishi Verma, researcher at EMPRI, joining from Delhi. The staggering collapse of part of glacier in Uttarakhand's Nanda Devi mountain came as a deadly reminder that this fragile, geologically dynamic region can never be taken for granted. The major environmental concerns that can be identified in the context of Uttarakhand disaster are as global warming leading to warming of Himalayas at an unprecedented rate, resulting in melting of glaciers and extreme weather rainfall events. Deforestation leading to soil erosion is another factor which aggravates the impact of floods in the state. It also leads to forests losing moisture, resulting in fire incidents. Weakening of mountains and lack of awareness of ecologically sensitive nature of Himalayas are other areas of concern, resulting in landslides. Therefore, we need to understand our interdependency on the environment and need to find a balance between economic growth without disrespecting mountains' character of state. The various issues around technical know-how are huge expansion of hydropower projects and infrastructure, dam construction involving blasting of hills, increasing the risk of landslides, large number of power and mining projects running in river valleys, large-scale tourism resulting in unfettered development of roads, houses, hotels in floodplains, and ecologically fragile areas. Several rivers are being diverted through tunnels and weak implementation of environmental laws. Next slide. The Uttarakhand disaster had led us to think on what is critical, environment or economic growth. The various concerns can be grouped under four issues at hand. Policy paralysis, which include questions like, is an exclusive environment policy a need of our four hill states? How chronic capitalism prevails in eco-sensitive region? Does the land ownership policy be implemented with limiting local ownership to avoid exploitation? Do we have an inadequate and ineffective disaster management plans? Implemental issues raise questions of, should we stop hydroelectric projects? How to reduce mining and construction on riverbeds? Responsibilities of stakeholders. Why are we falling to ensure that environmental impact assessments are means to understand the impact and not just ticking off another requirement? Why does excessive push around tourism and Char Dham Yatra heading towards balanced commercialization? There also exist several monitoring and transparency issues like how to ensure transparency in tracking and implementation of hill projects. What are the ways to improve crippled compliance monitoring system? How to go away with rent seeking and to more transparent system? Altogether leading to a broad question of how to move forward. These are some of the issues which we thought to present before our esteemed expert panelists, looking forward to learning from you. Now I invite the moderators for taking the event further. Over to you, ma'am.
Thank you. Thank you, IMPRI team, for this very quick and compact presentation. I now invite Sri Rajendra Singh, chair of this session, to please address us with his opening remarks, and then follow that with inviting the panelists for the discussion thereafter. सबसे पहले तो मैं IMPRI की टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ और थैंक्स करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेटिव जानकारी हम सबको शेयर की. मित्रों, हिमालय और हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, चाहे वो अलकनंदा हो, मंदाकिनी हो, ऋषि गंगा हो और चाहे भागीरथी हो, ये सब बहुत ही स्टीप स्लोप्स पर हैं और ये इकोलॉजिकल सेंसिटिव और सेस्मिक जोन है. इस सेस्मिक जोन में तीर्थ होना चाहिए या पर्यटन होना चाहिए, ये हमारी सरकार को तय करना था कि ये स्थान जो सेस्मिक जोन है, स्टीप स्लोप्स हैं, बहुत फर्जाइल है, इसमें इसको देना चाहिए कि इससे लेना चाहिए. जब हम देने की बात करते हैं तो तीर्थाटन होता है, तीर्थ पिलग्रिम. जब लेना होता है उससे तो वो पर्यटन होता है, टूरिज्म. तो कभी भी हिमालय की या गंगा की पॉलिसी बनाते वक्त ये सोचा ही नहीं कि जो भूमि हमारे लिए गौरव है, जो भारतीय आस्था और पर्यावरण की रक्षा के काम में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करती है, जिसका क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जो अब हो रहा है, जो घट रहा है, मैं इसको नेचुरल नहीं कहता, मैं इसको मैनमेड कहता हूँ. क्यों कहता हूँ मैनमेड? कि 1992 से लेकर जब मैं श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी के साथ राजस्थान से अपने आश्रम से और जयपुर से एक यात्रा करते हुए गोमुख गया था, तब से हमने ये कहना शुरू किया था कि हिमालय से निकलने वाली गंगा इस देश को बहुत कुछ देती है, लेकिन जब आप जहां से ये निकलती है वहीं से उससे लेना शुरू करते हैं तो ये देगी नहीं, फिर ये डिजास्टर देगी. क्योंकि इतने स्टीप स्लोप पे लार्ज डैम बनाना कदाचित भी अनुकूल नहीं होता. यदि आज हम देखें कि ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये कितने महंगे पड़ रहे हैं, यदि हम इस डिजास्टर का वैल्यू उस हाइड्रो पावर में जोड़ दें, इस इकोलॉजिकल वैल्यू को जोड़ दें, तो 18 रुपए प्रति यूनिट से कम नहीं पड़ेगी, जबकि सूरज से बनने वाली बिजली कुल 4 रुपए में एक यूनिट मिल सकती है. तो जब हमें ये मालूम है कि गंगा जो भारतीय आस्था और पर्यावरण रक्षा का आधार रही है, गंगा हिमालय से निकलती है, हिमालय जो हमारा एक तरह से गौरव है, उसमें यदि आप बड़े बड़े डैम बनाएंगे तो डिजास्टर दिखता था उसका. 1992 से लेकर अब तक कितने लोगों ने बलिदान दिया, हिमालय में बांध नहीं बनने चाहिए, हिमालय से निकलने वाली गंगा अविरल निर्मल होकर चले, हिमालय में चार धाम रोड जिस पर्यटन को ध्यान में रख के बनाया गया, फिर बाद में हमारी सरकार ने कहा कि ये हमारी डिफेंस में भी काम आएगा. भाई ठीक है, डिफेंस में काम आएगा, आपको टूरिज्म आपको बढ़ाना है, लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि टूरिज्म से आपकी कितनी अर्निंग इसमें होगी और कितने डिजास्टर इसमें आएंगे और उन डिजास्टर का कैसे हम बराबरी करेंगे. बिना इसको देखे, बिना इसको समझे इस पर बांध बनते गए, चारधाम सड़क बनती गई और पर्यटन को बढ़ाने के लिए सारे काम हुए. मित्रों, मैं
इस वेबिनार के शुभारंभ में इतना कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जिस साइंस को यूज किया जाता है उस साइंस को सेंस और कॉमन सेंस और प्यूपिल सेंस के साथ जोड़कर नहीं देखा जाता। जब साइंस केवल कैलकुलेशन और इक्वेशंस पर देखी जाती है तो फिर किसी भी डेटा को किसी भी तरह से मोड़ तोड़ कर किसी भी कंसल्टेंट को रिपोर्ट लेकर कुछ भी सरकार अपने को जस्टिफाई करने लगती है। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि नेचर गलत फैक्ट्स को कभी जस्टिफाई होने नहीं देती। जिन तपोवन के खिलाफ, ऋषि गंगा पर बनने वाले बांध के खिलाफ, प्रोफेसर जीडी अग्रवाल जो इस देश की एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग का पहला साइंटिस्ट था, उसने बहुत जोरों से कहा, सरकार ने उनकी आवाज नहीं सुनी, लेकिन प्रकृति ने उनकी आवाज सुन ली 2013 में और 2021 में। ये जो डिजास्टर हुआ है इसको साइंटिस्ट जरूर नेचुरल डिजास्टर कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब ह्यूमन इंटरवेंशन बहुत ग्रीडीनेस के साथ, जब हम लालची विकास के नाम पर कुछ भी करते हैं तो हम विनाश ही पाते हैं। वो COVID-19 हो या डिजास्टर हो 21 का, जनवरी का, फरवरी का, 7 फरवरी का। इसलिए मैं अपने सारे आज के साइंटिस्ट दोस्तों से इतना कहूंगा कि वो आज की इस वेबिनार में हमारे हिमालय की और गंगा के लिए कैसा चिंतन हमारी सरकार को और समाज को करना चाहिए, हिमालय की पॉलिसी कैसी हो, गंगा की पॉलिसी कैसी हो, हिमालय में रिवर पॉलिसी में क्या होना चाहिए, क्या हिमालय की नदियों को इंसानी दर्जा देने की बात कोर्ट ने की थी तो क्या वो गलत थी, क्या हम भारत के लोग कॉन्स्टिट्यूशन से पहले नदियों को माँ कहते थे और नदियों के साथ माँ जैसा व्यवहार करते थे, क्या वो नदियों के साथ जब हमारा इंसानी व्यवहार माँ जैसा था तो क्या वो गलत था क्या? अब हम अपनी माँ तो अभी भी कहते हैं नदियों को, लेकिन मैला ढोने वाली मालगाड़ी की तरह उपयोग करते हैं, बिजली देने वाली नदी की तरह उपयोग करते हैं। अरे भाई, तुम्हें बिजली चाहिए कहीं और बना लो, कम से कम अलकनंदा, भागीरथी और मंदाकिनी को और इसकी सहायक नदियों को छोड़ दो, नहीं तो इसके डिजास्टर जो ये मैनमेड डिजास्टर हैं, ये डिजास्टर इस देश के लिए अच्छे नहीं होंगे। मैं सारे वेबिनार के पार्टिसिपेंट्स को, पैनल के साथियों को वेलकम करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि हिमालय की और गंगा की साइंस विद सेंस के साथ देखने की कोशिश करें। गंगा की जो बीमारी है वो कार्डियक डिजीज है या टीथ दांतों की बीमारी है वो भी देख लें। हिमालय की जो संवेदना है, हिमालय की जो सेंसिटिविटी है, वो आध्यात्मिक है, आत्मिक है कि भौतिक है कि केमिकल है कि फिजिक्स है, जरा उसके साथ देखकर थोड़ा आज की वेबिनार में आप ठीक से इस समस्या को समाधान की तरफ लेकर जाएंगे तो इस वेबिनार की सफलता जरूर इस देश के काम आएगी। हम सब इस देश के नागरिक हैं, इस देश का भला चाहते हैं, हम इस देश में कुछ ऐसा क्रिएशन हो जिससे सनातन विकास हो। सनातन विकास का मतलब होता है सदैव नित्य नूतन निर्माण होना, जिसको हम प्रोसेस ऑफ
पुनर्जीवन कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में रिजुविनेशन ऑफ नेचर कहते हैं, जिसे आज हम डेवलपमेंट कहते हैं। ये तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजिनस नॉलेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड फाइनली डिजास्टर की तरफ लेकर जाता है। हमें सनातन विकास चाहिए। सनातन विकास का मतलब है कि हिमालय के अंदर उसकी जो पुनर्जीवन की ताकत है, उसकी जो रिजुविनेशन की शक्ति है, उसको हम बना के रखें, उसके ऊपर हम ऐसा बोझ ना डालें कि वो ब्रस्ट हो जाए। अभी हिमालय ब्रस्ट होता है, कभी क्लाउड ब्रस्ट होते हैं, तो कभी ग्लेशियर ब्रस्ट होता है, तो कभी नदी ब्रस्ट होती है। तो हम हमारे कारण हमारा हिमालय और हिमालय से निकलने वाली नदियों में ब्रस्ट हो रहा है, फ्लड आ रहा है। इसलिए क्या हम भारत के लोग अपने भगवान को पहचान कर, हमारा भगवान है हमारे पंच महाभूत, भैसे भूमि गैसे गगन वैसे वायु ऐसे अग्नि और नैसे नीर, हिमालय से मिलने वाला नीर। दोस्तों, इस भगवान को पहचान कर हम कैसे नीर नारी और नदी का सम्मान कर सकते हैं? जब हम नीर नारी और नदी का सम्मान शुरू करेंगे, तभी सनातन विकास का रास्ता भारत में चलेगा। और सनातन विकास का मतलब होता है पुनर्जनन, रिजुविनेशन। इसलिए हिमालय की जो रिजुविनेशन कैपेसिटी है, हमारी नदियों की जो रिजुविनेशन की कैपेसिटी है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी को मेंटेन करके रखें, उसके ऊपर बोझ ना डालें। ऐसा विज्ञान आप आज हमारा पैनल बताएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद। भाई जी, आप निवेदन करेंगे हमारे फर्स्ट स्पीकर प्रोफेसर पुनिया को अपनी बात रखने के लिए? मैं रेस्पेक्टेड प्रोफेसर पुनिया को सादर आमंत्रित करता हूं कि अपनी बात शुरू करें और अच्छे से खुल के रखें। धन्यवाद राजेंद्र सिंह जी और इम्प्री टीम। जैसा राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि हमें सतत विकास, सनातन विकास और उसके साथ में जो विज्ञान के द्वारा हमारे सामने जो तथ्य आए हैं, कैसे उनको हम विकास के अंदर समावेशी बनाएं और एक प्रकार की योजना सबके सामने रखें। अब मैं आज का जो वेबिनार का जो मुख्य विषय है, जिसमें एनालिसिस और एक्शन की बात की गई है, तो सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ तथ्य आपके सामने रखूंगा। 2012 से पहले हम सतोपंत भागीरथी खड़क का जो क्षेत्र है, जो इसी अपर हिमालया आपके जोशीमठ से ऊपर जो ऊपर की ओर एक स्ट्रीम जाती है, जिसमें बद्रीनाथ धाम है, वहाँ पे हमारी टीम काफ़ी सालों से काम कर रही थी। 2013 के जब हिमालयन प्रलय आई, तो सतोपंत और भागीरथ के नीचे एक नाला है, भांगलुंग नाला, और उसके ऊपर एक ग्लेशियर है। आपदा के बाद में एक मीडिया के अंदर बहुत दिनों तक एक खबर बनी रही, एक ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह, कि वहाँ पे पानी जमा हो गया है और वो पानी कभी भी नीचे एक तेज बहाव के साथ आएगा और उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि हम उस क्षेत्र में पिछले सालों में जाते रहे थे, 2012 में भी गए थे, और वो भांगलुंग नाला है, वो बिल्कुल एक लक्ष्मण वन का क्षेत्र है, जहाँ पे एक रिजर्वॉयर सा बनता है, एक छोटी सी लेक सी बनती है, और वो निरंतर रूप से वहाँ से पानी सीपेज होके नीचे की ओर आता है। तो हमारा मानना था कि ये बिल्कुल टूटेगा नहीं, एक सीपेज होगा और पानी वहाँ से निकल जाएगा।
और 2013 की आपदा के बारे में हम सब लोगों को पता है। उसी के उपरांत हमने एक रिसर्च पेपर छापा, तो मैं सबसे पहले आप सब लोगों के संज्ञान में जो हमने जो हमारी फाइंडिंग्स थी उस पेपर के अंदर और जो हमारी रिकमेंडेशंस थी उसके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ये पेपर इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में 2019 में पब्लिश हुआ और पेपर का टाइटल था गवर्नेंस इन डिजास्टर। तो जो राजेंद्र सिंह जी ने जो बात कही कि हमें विज्ञान को साइंस को हमें गवर्नेंस में लेके जाना है और वह गवर्नेंस भी ऐसा हो जो सबके लिए एक सतत विकास प्रदान करे और साथ में जो हमारा सनातन विकास है विशेषकर जो इकोलॉजिकली फ्रजाइन रीजन्स हैं उनकी जो वास्तविकता है और उन सबको वो सामने रखे जिससे कि इस प्रकार की आपदाएं भविष्य में ना हो। तो उस पूरा जो जो रिसर्च पेपर था शोध कार्य था वो हमने लैंड यूज पॉलिसीज विद रेफरेंस टू उत्तराखंड फ्लड 2013 में हमने उसमें उसका जिक्र किया। अब मैं क्योंकि समय की कमी है मैं इसके रिकमेंडेशंस पे आता हूँ। इसके रिकमेंडेशंस में हमने बिल्कुल क्लियरली लिखा जो मुझे लगता है गरिमफ्री और बाकी जो भी लोग इस आज के संगोष्ठी को सुन रहे होंगे वेबिनार को सुन रहे होंगे तो जहाँ भी इसको वो इस चीज को आगे सरकार के पास या जो बाकी संस्थान हैं जो प्रभावशाली हैं जो इनको जमीनी स्तर पे उतार सकें जिससे लोगों की जान माल की हानि सबसे कम हो भविष्य में भी और वर्तमान समय में भी। इसमें हमने आखिर में कंक्लूजन में लिखा था जिसमें हमने पॉइंटर नंबर 3 दिया था रिविजन ऑफ हाइड्रो पावर पॉलिसी इनकॉर्पोरेटिंग एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एनवायरमेंटल फ्लो लॉक गेट ऑपरेशंस द पॉलिसी मस्ट इंक्लूड मैंडेटरी इंस्टॉलेशन ऑफ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन एंड रियल टाइम फ्लड फॉरकास्टिंग सिस्टम एट एवरी मीडियम टू लार्ज हाइड्रो पावर प्लांट्स क्लियर डायरेक्शन ऑन लॉक गेट ऑपरेशन ड्यूरिंग पीक फ्लो The government should strictly follow Dam Safety Bill 2005 of Government of India and regulate hydroelectric powers activities. इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत स्पष्ट रूप से ये हमने उसमें लिखा था। अब हम थोड़ा सा धरातल पे वास्तविकता पे आते हैं इससे पहले कि हम एनालिसिस में जाएं। अब हमने 2013 में देखा, उससे पहले भी देखा, इस क्षेत्र में पहले भी स्नो एवलांच आते रहे हैं, लैंडस्लाइड। अगर आप जो लोग इस क्षेत्र से फेमिलियर हैं उत्तराखंड के जोशी मठ के बाद में अगर आप बद्रीनाथ की ओर जाएंगे तो एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड का पोर्शन है जो पिछले 10-12 साल से उसमें कोई विशेष कोई ऐसा स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम नहीं हुआ है। आज भी वह चार धाम की यात्रा के समय वहाँ पे हरदम खतरा बना रहता है लैंडस्लाइड कभी भी हो जाए और वहीं से ही हम आगे वैली ऑफ फ्लावर के लिए जाते हैं। और ऐसा ही जोशीमठ से पहले भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो कि लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है। तो यानी ऊपरी हिमालय का जितना भी क्षेत्र है वो एक इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन है। किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया कोई भी एक्टिविटी की जाए यानी हमारे जो विकास के जो प्रोजेक्ट हैं चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो चाहे वो डैम कंस्ट्रक्शन हो और उसके अलावा जो अनरेगुलेटेड ग्रोथ है रोजमर्रा की पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो कार्य होते हैं उनके ऊपर भी एक रेगुलेशन की बहुत बड़ी आवश्यकता है क्योंकि किसी भी प्रकार का परिवर्तन है वह वहाँ के जो भू उपयोग है उसको परिवर्तित करता है और उसके परिवर्तन होने से जो हम बाकी के जो हम उसके इम्पैक्ट्स देखते हैं प्रभाव देखते हैं वो सब आज हमारे सामने हमें नजर आ रहे हैं। ये एक बात है जिसको हायर हिमालयाज इकोलॉजिकल जोन को हम बिल्कुल टच ना करें, प्राकृतिक रूप से वो जिस प्रकार की हैं वह उनको हम वैसा ही रखें, अगर आप हम उसे कंजर्व नहीं कर सकते तो उसे छेड़छाड़ ना करें। तो ये एक पहली चीज है। अब दूसरी बात रही कि हुआ क्या, एनालिसिस क्या किया जाए और एक्शन में क्या किस चीज को लेकर आया जाए। एनालिसिस में चूंकि मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आने से पहले भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान में वैज्ञानिक रहा हूँ और उससे पहले मैं राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र से आता हूँ और उसी क्षेत्र में मेरी बाकी जो अकादमिक जो मेरी गतिविधियाँ रही हैं मेरा हुआ वह समय मेरा वहीं मरुस्थलीय क्षेत्र में
भी था। तो हमने देखा है पानी की क्या महत्वता होती है, और भाई राजेंद्र सिंह जी ने बताया, तरुण भारत संघ बहुत दशकों से इस काम में अपना अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं। तो पानी को देखते हमें लगता है कि हम गंगा के पानी को भी बचाएं, और भविष्य में हमारी इच्छा रहती है क्या पता इसका कुछ अंश राजस्थान के मरुस्थल में भी आ जाए। ये इस चीजों को सब में ध्यान में रखते हुए हमने देखा कि जो ऊपरी हिमालय क्षेत्रों में हो रहा है, क्या ये जिसे हम यंग हिमालयन माउंटेन कहते हैं, जहां हरदम एक डर लगा रहता है कि इधर से लैंडस्लाइड होगा, उधर से पानी आएगा, कहीं वहीं कहीं कोई नाले में ऊपर से क्लाउड बस्ट ना हो जाए, जिसको आज की तारीख में भी जिसको मॉनिटर करना बहुत मुश्किल है, इस प्रकार के अनसर्टेन हाईली इकोलॉजिकल सेंसिटिव एनवायरनमेंट में क्या हम इस प्रकार की गतिविधियों को अलाउ करें, इसके लिए हमें और सरकार को इसके बारे में बड़ी गंभीरता से सोचना चाहिए। अब जैसा सन 2010 के आसपास बहुत ज्यादा चर्चा हुई उत्तराखंड राज्य के अंदर नीर ऊर्जा को लेके, एक प्रकार के लिए जैसे हम कहते हैं कि वी वर हैंग्री फॉर द पावर एंड ऑल्सो वी हैड ए एम टू प्रोड्यूस अ सरप्लस पावर सो द स्टेट कैन हैव अ सरप्लस पावर एंड दे कैन अर्न द रिवेन्यू एंड देन अगेन पुट दैट इन फॉर्म ऑफ द डेवलपमेंट फॉर द पीपल। बट इज इट रियली हैपनिंग, क्या ये वास्तविकता में हो रहा है? जो आपने नीर ऊर्जा का सपना देखकर आपने तमाम लगभग 200 छोटे बड़े जिसमें से 45 किस्म के हाइड्रो पावर स्टेशन आज जो मतलब ऑपरेशनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, और कुछ और भी हैं जो आने वाले समय में आने वाले हैं। तो इस प्रकार के जो इवेंट्स हैं जो जिसमें लगभग 400 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, तो क्यों ने वैश्विक स्तर के ऊपर ऐसी बहुत सी गाइडलाइंस हैं जिसमें लॉस एंड डैमेजेस को मिनिमाइज करने के लिए एक रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक रेजिलिएंस प्लानिंग हमें एडवांस में करनी चाहिए, जिसके ऊपर बार बार हम संगोष्ठियां कर रहे हैं, भारत सरकार भी उसको लेके कई बार चिंतित नजर आई है, पर उसको धरातल पे क्यों नहीं उतारा जाता? सबसे पहला जो उद्देश्य है किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज हो उसके अंदर हम ये देखें कि एक रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर वहां हो जिसकी वजह से कि लोगों की जिंदगी और उनकी प्रॉपर्टी के नुकसान को बचाया जाए। और यहाँ क्या हुआ, 4,000 करोड़ का तो आपका नुकसान हुआ ही, और उसके साथ में लगभग 225 आदमियों की जान गई। तो ये कहां मतलब किस दिशा में हम इसे लेके जा रहे हैं, वाकई में इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। अब जैसा मैं अगर आपको बहुत एक विस्तृत तौर पे तो नहीं, पर एक ग्राफिक मैनर में जैसे पहले इम्प्री के लोगों ने उसको समझाया है, हमें दिखाया, एक लैंडस्केप समझाने की कोशिश की, ऊपर से नंदा देवी बायो रिजर्व से जहाँ काफी ग्लेशियर्स हैं वहां से ऋषि गंगा का उद्गम होता है, और उसी में एक छोटी सी धारा मिलती है जिसको बोलते हैं रोंटी गार्ड। और वो रोंटी गार्ड जो सबसे पहले जो इवेंट ट्रिगर हुआ है वह रोंटी गार्ड में हुआ है। रोंटी गार्ड में लगभग 5,600 मीटर ऊपर से आपका एक आइस का और रॉक डिब्री का मटेरियल का एक बहुत बड़ा टुकड़ा जो नीचे गिरा है, लगभग वो 1,800 मीटर नीचे गिरा है, उसकी वजह से जो इम्पैक्ट पैदा हुआ सारी वैली में जिसके अंदर पहले से स्नो थी, और उस सारे उस बहाव के साथ, उस मास मूवमेंट के साथ, उस लैंडस्लाइड के साथ सारा पानी नीचे आया ऋषि गंगा में, और आगे जाके वो धोली गंगा में मिलके उसने एक भयानक रूप लिया, जिसके द्वारा नीचे जितने भी ये आपके स्मॉल हाइड्रो पावर और तपोवन जो एक बड़ा हाइड्रो पावर स्टेशन था उसमें ये तबाही हुई। और वहां पे जो लोग टनल में काम कर रहे थे आज भी उनमें से ज्यादातर लोगों को हम ढूंढ नहीं पाए। तो ये एक इसकी अगर आप हम एनालिसिस करें मोटा मोटा ये है। अब होना क्या चाहिए था, आपकी खुद की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि अपस्ट्रीम के अंदर आपके कुछ एडवांस वार्निंग्स सिग्नल्स होने चाहिए। इस प्रकार का कोई भी अगर एक्सट्रीम इवेंट होता है जिसका कारण चाहे वह प्राकृतिक हो, चाहे वह मैनमेड हो, चाहे वो किसी एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट की वजह से ट्रिगर हुआ हो, पर ऐसी तकनीक आज हमारे सामने है, इस प्रकार की बहुत सी तकनीकें हैं जिनका उपयोग होना चाहिए था, एंड दे शुड हैव बीन प्लेस्ड इन दोज अपस्ट्रीम एरियाज वेयर एटलीस्ट देयर शुड हैव बीन सम एडवांस टाइम, सम अलार्म सिस्टम सो दैट वर्कर्स हु आर वर्किंग इन दीज प्लांट्स दे कुड हैव बीन रेस्क्यूड बिफोर इट्स struck
the dam. So these things, in absence of all these things, we are today seeing the major loss and damages which is occurring to this particular 2-3 dams which were there in the affected area. तो ये मैं चाह रहा इस पहले इस डिस्कशन के दौर में ये मोटी मोटी दो तीन चीजें हैं. प्रारंभिक तौर पे जो सूचनाएं आ रही हैं, कुछ शैक्षणिक संस्थान हैं, कुछ शोध के कार्य में जुड़ी हुई संस्थान हैं, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे जाके उन्होंने अपना कुछ एरियल सर्वे किया है और उसको जो सुदूर संवेदन के जो आंकड़े हैं जिनको हम रिमोट सेंसिंग हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट्स उनके आंकड़े भी यही दर्शाते हैं कि जो रोंटीगार्ड की जो एक स्ट्रीम है उसमें ऊपर से एक मेजर लैंडस्लाइड हुआ है जिसमें आइस और आइस स्नो और जो रॉक मटेरियल है वो एक बहुत ऊंचाई से नीचे गिरा और उसकी इंपैक्ट से उस मास मूवमेंट की वजह से उसके साथ स्नो वाटर और वो एक बड़ा मेजर मोमेंटम बनते हुए वो पूरा का पूरा स्लज आके उसने इस डैम्स के गेट के अंदर इस त्रासदी को हमारे सामने ला के रखा. तो मोटे रूप पे मैं अभी इतनी बात कहना चाहूंगा, बाकी जैसे हम आगे बढ़ेंगे उस पे चर्चा की जाएगी. धन्यवाद. थैंक यू सर. यस डॉक्टर सिमी, आई थिंक आई एम डन फॉर द मोमेंट. यस सर, थैंक यू सो मच सर. May I now invite Ms. Nivedita to make her presentation? Ma'am, please unmute yourself. Nivedita, ma'am. Yes, we are bringing your presentation. Yeah. Rajendraji, namaste. Good evening, everybody. Namaste. I have a very good evening presentation. So, just as we are discussing Uttarakhand, this is the latest that we got to know today that the center has told the Supreme Court in connection with a Chardham project related case that this Chamoli incident is not related, not linked to Chardham project case. The case is in connection with the Chardham project, and the government is saying the Chamoli incident has nothing to do with the blasting and everything what is being done as part of the Chardham. So this is like, you know, the approach or the attitude that we are going to be witnessing on and off again from the government. Is tarah ka agar adial sa attitude ho jisme holistic picture nahi dekhna hai sarkar ko, to fight thodi hi zyada tedhi ho jati hai. Next slide please. Abhi, Dr. Punia was talking about early warning system. I am sure most of us have seen this Times of India news in which it was told that there's this mother who was at the higher reach upper in the Rishi Ganga Valley, and she saw this devastating flood traveling down the Rishi Ganga and traveling towards the Dhauli Ganga Valley. And she frantically kept calling her son until she was able to convey the point to him, and that's why about 24 people were saved. So what is missing in that, most of the experts agree, is this early warning system in a very proper manner. Right now, whatever we have is so lackadaisical, it's hardly effective. There are things which are happening, which are in the pipeline. Next slide, please. For the early warning thing, first thing we need to know is क्या हो रहा है. केदारनाथ ट्रेजेडी के वक्त भी इसी तरह की चर्चाएं हुई थी, और जो मॉनिटरिंग की बातें हैं उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है डॉपलर रडार वेदर मॉनिटरिंग के लिए. वो उत्तराखंड में उस वक्त नहीं मौजूद था, और सरकार ने प्रॉमिस किया था कि हम 3 लगवाएंगे. 7 साल लग गए, इस जनवरी में जाके पहला वाला लगा है डॉपलर रडार. दिस इज द रेट ऑफ एक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. एनालिसिस तो बहुत हो चुका है, बहुत पहले से भी हो चुका है और भी होता रहेगा. एक्शन जो होनी है उसमें काफी देर लगती है.
पैसों की कमी बिल्कुल भी नहीं है, वी ऑल नो दैट्स फॉर श्योर. प्रॉब्लम इज द टार्डी रेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन. साथ साथ फ्लड मॉनिटरिंग के भी बहुत सारे, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के भी बहुत सारे यूनिट्स की जरूरत है. वो सारी चीजें, एक सेकेंड, एक स्लाइड आपने मिस कर दिया है, कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल वाला. पीछे जाइए इसके पहले. एक सेकेंड, ओके, कोई नहीं. यस, आई कंटिन्यू टू से थिंग्स, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम. सो जो वेदर सिस्टम्स हैं उनको मॉनिटरिंग की जरूरत जो बार बार बोली जाती है, उसके साथ साथ हमको क्या क्या, इफ यू गो टू दैट स्लाइड वेयर आई से what is needed monitoring ki baat. ha so what we are talking about is basically action. aur action ke liye jo pehle jaise doppler radar ki baat jab hui hai, uske liye input aana, uske liye message milna ki kya problem hai with the weather, uske input ke liye wo sab zaruri hai. to not just doppler radar, baaki bhi kafi sari cheeze hain, लेकिन एक्शन में हमको और क्या चाहिए अगर हम उसकी बातें करें. सो बेसिकली मॉनिटरिंग काफी नहीं है इस वक्त हमारे यहाँ पर. जितने ग्लेशियर्स हैं अक्रॉस द हिमालयस, उसका सारों का तो हम मॉनिटरिंग कर ही नहीं पा रहे हैं. सो ग्लेशियर्स का मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है. सेंट्रल वाटर कमीशन जो रिवर्स का फ्लड फोरकास्टिंग का करती है, उसमें भी बहुत कम यूनिट्स हैं जो उत्तराखंड के स्टेट में है. स्टेट गवर्नमेंट का अपना भी फ्लड फोरकास्टिंग हो सकता है, वो भी बहुत वीक है. वेरी फ्यू प्लेसेस फ्लड फोरकास्टिंग इज डन, मॉनिटरिंग इज डन. एक चीज जो बहुत जरूरी है और इस वक्त भी डॉक्टर पुनिया ने भी कहा था कि हायर रीच ऑफ हिमालयस जो है वहां पर एंट्री रेस्ट्रिक्शन हो, फुटफॉल्स का रेस्ट्रिक्शन हो. गंगोत्री का जैसे एक एग्जाम्पल हमारे सामने है कि 2006-07 के पहले देयर यूज्ड टू बी नो रेस्ट्रिक्शन व्हाट्सएवर एंड पीपल वुड जस्ट गो. घोड़े पोनी चलती थी, दुकानें लगती थी, तहस नहस लिटरली हो चुका था. एंड देन फॉर्चुनेटली सम गुड सेंस प्रिवेल्ड. एक प्लान बना है, गंगोत्री नेशनल पार्क बना है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान बना है. And the footfalls were restricted to 150 persons per day. And that has created magic. Slowly the nature is coming back. Landslide abhi bhi wahan par hote hain, problems wahan par bhi hai. But at least human induced reasons kam ho chuke hain, garbage collection kam ho chuka hai. Jitna bhi problem hai, is tarah ka agar hum koi critical step lete hain. So there can be a discussion ki wo kya 5,000-6,000 feet ke upar restriction ho या 7,000-8,000 फीट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन हो. बट देयर हैज टू बी अ सर्टेन रेस्ट्रिक्शन व्हेन इट कम्स टू फुटफॉल इन द हायर रीचेस ऑफ हिमालयस, जहां पर पैराग्लेशियल रीजन कहते हैं, जहां पर सारी नदियों का ओरिजिन होता है. वो सारे कैचमेंट्स में हमारा रेस्ट्रिक्शन जरूरी है. इन सब की चीज में एक, मैं कोई स्लाइड भूल गई थी, बट आई जस्ट से लाइक दैट, एक कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल बहुत सालों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लान कर रखा है. इट्स इन द पाइपलाइन. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट वालों ने करा है. टेलीकॉम डिपार्टमेंट का उसमें रोल है. बेसिकली उसमें यह है कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बातें ना हो. एक कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल इस तरह से है, जिसके पायलट्स भी हो चुके हैं, कि जो भी अथॉरिटीज है जो अलर्ट करे, वो सेंट्रलाइज वे में अलग अलग तरीकों से आम जनता तक मैसेज पहुंचे. एसएमएस जा सकते हैं, मोबाइल ऑपरेटर्स से बात हो रही है, टेलीविजन पर मैसेजेस जाएंगे, रेडियो पर जाएंगे,
लोगों के पास अगर कंप्यूटर यूज करते हैं तो उन तक फ्लैश होने की पॉसिबिलिटी होती है, घरों में फोन करके भी किया जा सकता है, सड़कों पर, हाईवेज पर, जहां जहां पब्लिक स्पेसेस हैं वहां वहां सब जगह वो प्रोटोकॉल्स आएंगे। ये सारी चीजें इन द पाइपलाइन कब से हैं, उसका एक्शन, उसका फॉलोअप, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, वो सॉर्ट आउट हो रहा है, उसको फास्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत है, बहुत सीरियसली ये सारी चीजें करने की जरूरत है। एंड समवेयर समहाउ जो एनजीटी के 10 साल जब पूरे हुए थे उस वक्त जस्टिस गोयल ने कहा था, बहुत अच्छी बात कही थी कि मोस्ट ऑफ द इश्यूज वो एनवायरमेंट पॉलिसी को लेके कम और गवर्नेंस को लेके ज्यादा है। ऑन द सेम लाइन्स बहुत सारी चीजें हैं जो अगर हम गवर्नेंस इम्प्रूव करते हैं, करप्शन कम करते हैं, तो एज इट इज मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स वुड बी टेकन केयर ऑफ। सो दीज आर माई शॉर्ट प्रेजेंटेशन पॉइंट्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू निवेदिता जी। राजेंद्र सिंह जी, अभी हम अनुरोध करते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर जो हेमंत दयान दयानी जी हैं, वो हम सबके सामने अपनी बात रखें। ठीक है, वेलकम हेमंत जी। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार। हाँ, राजेंद्र जी, आपकी आवाज तो अब आनी ही चाहिए भाई। बिल्कुल। तो जितने भी सभी लोग इस वेबिनार में उपस्थित हैं, सभी को नमस्कार। और 2013 की बाद 13 की जो जून 2013 की केदारनाथ आपदा हुई थी, जिसमें साथ साथ सारी चार धाम घाटियों में ये भीषण बाढ़ और प्रलय का रूप हमने देखा, तो उसके बाद मैं समझता हूँ 2014-15 तक तमाम अध्ययन हो चुके थे और केंद्र भी, पर्यावरण मंत्रालय भी इसको मान चुका था कि हाँ भाई, मानव जनित जो ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज हैं वही ये सारी आपदा में, जैसे कहें कि आग में घी का काम कर रही हैं। सवाल ये है कि उस आपदा के बाद हमने कोई सबक सीखा ही नहीं और उसको जानबूझकर कितनी ही चीजों को नजरअंदाज किया, जिसमें आज 200 से ऊपर जाने जो दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो हैं धौली गंगा और ऋषि गंगा में, उनके क्षेत्र में गई हैं, सीधा सीधा मानव जनित त्रासदी। और जिसके लिए मैंने कहा भी है, कई जगह मीडिया ने ये कोट भी किया है और मैं इसको हर जगह कह भी रहा हूँ, जिस कि भाई इसके लिए जब तक एक अकाउंटेबिलिटी, एक जवाबदेही तय न हो, इसको मैंने मेरे शब्दों में तो बड़े कड़े शब्दों में है कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस, आपराधिक लापरवाही का मामला दर्ज होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये सारी अधिकांश बातें जो अभी तक मैं सुन रहा था, पहले से ही ये चिंता, जब से क्लाइमेट चेंज की तलवार, इस पूरी वैश्विक तलवार हम सबके ऊपर लटक रही है, तब से ये बातें हैं। और 2014 में बड़े स्पष्ट रूप से उत्तराखंड की घटना के बाद दो बुनियादी चीजें आ गई थी सामने कि भाई ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है ये इंस्टॉल होना चाहिए हायर हिमालयाज में सब जगह। और दूसरा एक स्पष्ट रिकमेंडेशन थी कि जो मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो अपर हिमालयाज और मिडिल हिमालयाज को अलग करती हैं, वो भ्रंश वहाँ मेन सेंट्रल थ्रस्ट से ऊपर और पैराग्लेशियल जोन की रीच में कोई भी ऐसे पावर प्रोजेक्ट्स, कोई भी ऐसी जो भारी ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो नहीं होना चाहिए नदियों के ऊपर। इस खतरे के बारे में जो है 2014 में जो एक्सपर्ट बॉडी सुप्रीम कोर्ट की बनी थी, जिसमें मैं भी एक सदस्य था, रवि चोपड़ा इसके चेयरमैन थे, हम लोगों ने बड़े स्पष्ट रूप से और बड़े विस्तार से इस खतरे के बारे में आगाह करा दिया था। इसको MOEF ने मान भी लिया, लेकिन बावजूद और इसको देखते हुए जो भविष्य में प्रस्तावित नए बांध हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी। आज कई लोगों से और अखबारों में भी ये देखने को मिल रहा है कि लोग धन्यवाद दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस मई में जब उन्होंने स्टे ऑर्डर किया था, क्योंकि अगर उन 24 प्रोजेक्टों पर स्टे ना होता तो उनमें से 3 प्रोजेक्ट जो है इस दो ऋषिगंगा के ऊपर और 2 ऋषिगंगा प्रोजेक्ट जो तबाह हुआ है, 1 प्रोजेक्ट उसकी डाउन स्ट्रीम में होता और वो उससे बड़े बड़े थे। एक 70 मेगावाट का था, एक 35 मेगावाट का था, दूसरा एक 100 कुछ मेगावाट के थे। तो आप समझिए कि इस ये तबाही कितनी भयावह होती और ज्यादा, इसका अनुमान लगाना कठिन है अगर वो प्रोजेक्ट भी वहां बन रहे होते। तो आज लोगों की आंखें खुली हैं और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दे रहे हैं कि वो प्रोजेक्ट रुक गए, वरना अपस्ट्रीम में और होते तो और ज्यादा वो फ्लड एग्रेवेट होता। और ये एक स्थापित तथ्य है कि अगर बांध
बाढ़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, रोक नहीं पा रहा है, अपने आप में समा नहीं पा रहा है, और बाढ़ अगर उसको तोड़ देगी तो वो बाढ़ की विभीषिका को बढ़ाने का काम करेगा, फ्लड को वो एग्रीवेट करेगा। जून 2013 में भी यही देखा गया और अभी भी यही हुआ ऋषि गंगा एक और तपोवन विष्णु घाट प्रोजेक्ट में। तो इसलिए इन दो स्पष्ट रिकमेंडेशंस को कि एमसीटी के ऊपर और पैराग्लेशियल जोन में आपको ये सब नहीं करना है, नजरअंदाज कर दिया गया। और ये किया गया तो अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर, जिसमें कि ये था कि 2014 मानसून से पहले ही आपको ये फ्लड, ये जो टेलीमेट्री नेटवर्क है सैटेलाइट के जरिए जो सारे बांध और टिहरी से समेत अन्य सब बांधों के साथ जोड़ते हुए लगाया जाना चाहिए था, जिसमें आप अर्ली जो फ्लड टेलीकास्ट है वो आप कर सके कि भाई यहाँ तक इतने समय में पानी पहुंचने वाला है, वो भी नहीं लगाया गया। आप देखिए कि किस युग में हम जी रहे हैं कि सर्दियों की चटक धूप लगी है, 11 बजे का समय हो रहा है और वर्कर बेचारे फंसे हुए हैं बैराज के ऊपर, बांध के ऊपर, इधर उधर वीडियो वायरल, इधर उधर दौड़ रहे हैं और बाढ़ उनको बहा के ले जा रही है। एक सायरन हमसे नहीं बजाया गया 10 मिनट और 15 मिनट पहले ऊपर का एक बांध बह चुका है, उसमें 50 लोग बह चुके हैं। तो ऐसे हम वो बने हुए कि एक सायरन 10 मिनट पहले वो नहीं, सायरन तक नहीं बजाया जा चुका और वो कि वो लोग भाग सके और पहाड़ी पर चढ़ के अपनी जान बचा ले, और अथॉरिटीज बोल रही हैं नहीं जी इतना फ्रीक्वेंट रिस्पांस था कि हमें तो समय ही नहीं मिला, इतनी तेजी से वो बाढ़ आई। अरे भाई आप जानते हैं, राजेंद्र जी भी कह रहे थे कितने स्टीप ग्रेडियंट है, इतना तीव्र ढाल है, आपको पता है अगर कोई क्लाउडबस्ट या ऐसी घटना होती है तो कितनी देर में पानी पहुंचेगा, और आपने कोई तैयारी नहीं रखी। पहले तो आपको बांध ही नहीं बनाना चाहिए था और आपने उस चीज को नजरअंदाज करते हुए किया, तो आपको उस अर्ली वार्निंग सिस्टम को, यहां तक कि ऋषि गंगा बांध तबाह होने के बाद भी नीचे तपोवन विष्णु घाट, जहां तक मेरे ख्याल से 15-20 मिनट पानी को कम से कम पहुंचने में लगा होगा, वहां तक भी नहीं सूचित कर सके एक आध लोग जिन्होंने, और वहां कोई सायरन नहीं बजा सके। तो उन लोगों को देख, मतलब कौन है उनकी, मैं तो कह रहा हूं कि ये हत्या है, कौन है उन हत्या का जिम्मेवार, हम देख रहे हैं बेचारे बैराज के ऊपर भाग रहे हैं, आज भी सुरंग से अब शव निकलने शुरू हुए हैं, उन तपोवन विष्णु घाट की उस सुरंग के अंदर जो लोग फंसे हैं, उन कैसा ट्रॉमा, कैसी घुटन, किस 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 विभीषिका में जो है उन्होंने अपने प्राण घुट घुट कर मरे होंगे। लेकिन नहीं, हमने इनवाइट किया, हम जान रहे हैं, अरे 7 साल पहले जब 2013 के बाद इसकी घोषणा, इसकी डिक्लेरेशन आपके सामने कर दी गई थी, तब उसके बावजूद भी हम नहीं जागे, उसके बावजूद भी जो है हमने इसको होने दिया। तो ये सरासर क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है। इसीलिए अब ये समय है कि, अब ये समय नहीं है कि हम क्या करेंगे, क्या क्या होना चाहिए, ये सब मेरे विचार से जो सारी अभी चर्चाएं हो रही थी ये हो चुकी हैं, ये सब हम जानते हैं। क्लाइमेट चेंज के युग में तमाम विश्व भर में ये सब चर्चाएं हो रही हैं। सवाल तो अब बुनियादी ये है कि भाई हमारी सस्टेनेबल अप्रोच जो हिमालय को लेकर है, हम इन चार धामों को, जो राजेंद्र जी भी कह रहे थे कि तीर्थ हैं तो तीर्थ देखेंगे या टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाने की होड़ करेंगे। अगर टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाने की हमारी होड़ और वो ही विचार स्थापित है तो हम लाख प्रयत्न कर लेंगे, इन डिजास्टर्स को रोकने से हम बच नहीं सकते। लेकिन अगर हम बोलेंगे नहीं भाई हमें इन्हें चार धाम रखना है, ये चार धाम में बदलने की होड़ और ये सोच और ये दृष्टिकोण ही सारी आपदा को पैदा कर रहा है। एक 2008-2010 में गंगोत्री घाटी के बांध निरस्त हुए और गौमुख से उत्तरकाशी तक इको सेंसिटिव जोन नोटिफाई हुआ। ईश्वर की कृपा है, देखिए 2013 में सबसे कम नुकसान उस घाटी में हुआ, अभी बरसातों में सबसे कम लैंडस्लाइड वहां हो रही है, सबसे हरा भरापन वो घाटी में है। इन आपदाओं से क्यों नहीं, और लेकिन आज भी सरकार चाह रही है कि वो बांध फिर शुरू हो, उसका मास्टर प्लान अभी तक लागू नहीं किया है। वो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन, एक जिसको कहें कि एक ड्राफ्ट है हमारे पास, जिसको सारी हिमालयी घाटियों में आज लागू करने का समय आ गया है। और शायद राजेंद्र जी को स्मरण भी होगा, 2 साल पहले जब जीडी अग्रवाल जी ने अपना शरीर, उनका शरीर शांत हुआ इसके लिए संघर्ष करते हुए गंगा जी के, तो एक गंगा एक्ट का हमने एक ड्राफ्ट केंद्र को सौंपा था मसौदा, जिसको कई सांसदों ने समर्थन भी किया था। उसमें पूरी गंगा की नीचे तक बात, अभी समय ले या सरकार अगर अभी हम छोड़ भी दें तो हिमालयी क्षेत्र के लिए उसमें हमने बुनियादी बात रखी थी कि गंगा का जो हिमालयी बेसिन है, कैचमेंट है, उसकी सारी धाराएं मिलकर जहां उसका सारा शरीर निर्माण करती हैं,
वहां ग्लेशियर से 100 किलोमीटर नीचे तक कम से कम उनके सारे कैचमेंट को इको सेंसिटिव जोन सारी घाटियों को घोषित होना चाहिए। और उसके पीछे बड़ा वैज्ञानिक कारण भी आज के क्लाइमेट चेंज के युग में भाई हमारे ग्लेशियरों पर खतरा मंडरा रहा है। अभी मुझसे पूर्व आप वो दिखा रही थी कि आज तुरंत कोर्ट में सुनवाई थी चारधाम की और केंद्र ने तुरंत बोला कि नहीं भाई हमारा चारधाम तो इससे बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है। अरे ये क्लाइमेट चेंज ही आदमी ने जमीन से लेके आसमान तक कहीं भी कोई चीज साबुत नहीं छोड़ी, हर जगह हर क्षेत्र में अपनी घुसपैठ जो है उसने कर दी है। तो कैसे अब किसी आपदा को प्राकृतिक कहा जा सकता है जब हमने कुछ प्राकृतिक छोड़ा ही नहीं, प्रकृति में जब हमने उसको प्राकृतिक रूप में किसी चीज को छोड़ा ही नहीं, तो केवल और केवल जो है आपदा हमारे लिए अब प्राकृतिक हो जा रही है ताकि हम अपनी जिम्मेवारी से बच सके। अरे चारधाम प्रोजेक्ट हो चाहे हाईवे का, चाहे हाइड्रो प्रोजेक्ट हो, चाहे अर्बनाइजेशन हो, जिस ढंग से अब सारी नगर पालिकाओं में जो है विलय किया जा रहा है गाँव को कि हम टाउनशिप बनाएंगे, बद्रीनाथ और केदारनाथ जो है धामों को टाउनशिप में निर्माण किया जा रहा है, शहरीकरण हो रहा है एकदम जो है शोर शराबे और बाजार का केंद्र बनाया जा रहा है, टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाया जा रहा है, क्या है इन सब में? इन सब में निहित है डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का कटान, हमारी वन भूमि का क्षय, हमारी टॉप सॉइल जो है मिट्टी उसका क्षय, हमारे पानी के स्रोतों का नुकसान, फिर उसमें जितना जो है हमारा ये कंक्रीटाइजेशन बढ़ता जा रहा है, हमारा टूरिज्म की एक्टिविटीज बढ़ती जा रही हैं, इन सब का प्रभाव जो है जंगल पर पड़ेगा। और आज मैं सारे जितने भी इस समय पार्टिसिपेंट हैं हम लोग ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बहुत कम लोग चर्चा कर रहे हैं इस बारे में और लोगों ने नजरअंदाज किया है इस तथ्य को कि जैसे ये घटना सर्दियों में ये जो नंदा देवी से ये पूरा का पूरा ग्लेशियर टूटने की अनप्रेसिडेंटेड हुई कि भाई सर्दियों में ऐसी घटना हम कभी सोच नहीं सकते थे। वही एक बात और हो रही थी, ठीक इससे 3 महीने पहले सर्दियों में उत्तराखंड के जंगल धू धू कर जल रहे थे, अक्टूबर से जनवरी तक 250 से ऊपर फॉरेस्ट फायर की घटनाएं हो चुकी थी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बोल रहा था कि अप्रत्याशित, अरे बाप रे सर्दियों में तो कभी ऐसी आग लगती नहीं थी, इतनी आग क्यों भड़की हुई है? तो सब कह रहे थे कि नहीं, तमाम सारी घटनाओं के कारण जंगलों में नमी की कमी आ गई है, मॉइस्चर घटता जा रहा है, इसीलिए अगर कोई आग लगाता है या लगती है तो वो ऐसे ही तेजी से फैल रही है जैसे मई जून के महीने में फैलती है। तो मई जून के महीने में जैसी भीषण आग फैलती है वैसे ही अक्टूबर से और जनवरी तक अभी फैली हुई थी और उसके बाद बारिश और बर्फबारी हुई, तो वो जो भीषण आग फैली हुई थी उसका ब्लैक कार्बन कहाँ डिपोजिट हो रहा है? उसकी गर्मी क्या ग्लेशियर को प्रभावित नहीं कर रही है? ये सारे के सारे तो ग्लेशियर के ही क्षेत्र, ग्लेशियर से हार्डली 15-20-50 किलोमीटर के दायरे में सारे जंगल हैं रियल डिस्टेंस से, तो उसकी गर्मी और उससे जो निकला धुआं है उसका जो ब्लैक कार्बन है वो सारा ग्लेशियर्स पे डिपॉजिट हो रहा है। और लास्ट ईयर खुद पर्यावरण मंत्रालय मान चुका है एक स्टडी पर वाडिया की कि 400 टाइम्स हायर कॉन्सेंट्रेशन पाया गया गंगोत्री ग्लेशियर में ब्लैक कार्बन का। तो ये सारा ब्लैक कार्बन, हमारी टूरिज्म एक्टिविटीज, फॉरेस्ट फायर, ये सब का सब कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट को, क्लाइमेट चेंज के फिनोमिना को हिमालय में। इसलिए किसी एक चीज को आइसोलेशन में देखना, जो कि आज सरकारों ने ढंग बना लिया है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट है तो हाँ उसका इम्पैक्ट आइसोलेशन में, अरे एक ही घाटी में तो बन रहा है, चारधाम का चौड़ीकरण है तो उसका भी इम्पैक्ट आइसोलेशन में देखो, अब रेलवे और जा रहा है राजेंद्र जी चारधाम में, अब रेलवे पहुंचाने की तैयारी है, 110 किलोमीटर की सुरंगें वहां खुद रही है, वो अलग आइसोलेशन में। यहां तक कि देवभूमि की सरकार कहने वाली जहां तक कि हम बुग्याल जो हाई एल्टीट्यूड मीडोज हैं उन्हें हम देवतुल्य मानते हैं, वहां जाओ तो मन इतना शांत हो जाता है कि आपको नंगे पैर चलने की इच्छा होगी, तेज आवाज में बात करना वहां प्रतिबंधित रहा है, चटकीले कपड़े पहन के नहीं जाते, ऐसी देव बुग्यालों में को अब शादी ब्याह और पार्टियों के लिए किराए पर दिया जा रहा है। पिछले वर्ष आपको स्मरण होगा औली में जो गुप्ता बंधुओं की शादी के लिए दे दिया था बुग्याल को किराए पर। तो शोर शराबे और पार्टियों का जरिया अब हमारे दिव्य बुग्यालों को भी बनाया जाए। तो मैं कह रहा हूं कि विकास, आखिर ये विकास की सोच क्या है? ये देव दैवीय विकास है या आसुरिक विकास है जिसकी कभी हवस मिटी नहीं रही है? ये हम देवात्मा कहते रहे हिमालय को, गंगा को माँ कहते रहे, क्यों? क्योंकि सदियों से ये देता आया है। अब आज हमारे वैज्ञानिक कैलकुलेट कर ले, सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है कि हिमालय की जो इनवैल्यूएबल इकोसिस्टम सर्विसेज है, गंगा जी और यमुना जी, कितना हमें जो है ये पूरे 60 करोड़ की आबादी की वाटर और फूड सिक्योरिटी इस पर निर्भर है, वैसे ही इतना दे रही हैं ये गंगा यमुना और ये हिमालय। लेकिन ना, हमारी अब होड़ ऐसी है कि अब हम इसके ऊपर आमादा होके हर इसको संसाधन देके नोच खरोच के सब कुछ निकाल देना चाहते हैं और भले ही अपनी तबाही को हम निमंत्रण दे रहे हों, उसकी रेसिपी तैयार कर रहे हों।
आज बिल्कुल हमारी बुद्धि ऐसे ही हो गई है जैसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हम कहानी सुनते हैं कि लालच में उसने कहा कि इसके पंख भी काट डालो और इसका पेट भी फाड़ के सारे अंडे एक बार ही निकाल दो। तो ये दृष्टि हमारी हो गई है, माँ और देव रूप में जो दृष्टि थी और उस रूप से जो मिलता था और वो हमें कायम रखता था कि हम अपनी अप्रोच को सस्टेनेबल रखें, लेकिन उस सस्टेनेबल अप्रोच और वो सस्टेनेबल अप्रोच तभी हो सकती है जब हमारा नजरिया सस्टेनेबल हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल अप्रोच से पहले मैं आज यहाँ सब कह रहा हूँ कि सस्टेनेबल नजरिया पहले आए कि आखिर हम विकास किसे कहते हैं। और मैं कह रहा हूं ये तो चार धाम को चार दामों में बदलने की होड़ इन आपदाओं को जन्म दे रही है, चाहे फिर वो 70 बांधों का निर्माण हो गंगा जी में, चाहे चार धाम हाईवे चौड़ीकरण का ये ऑल वेदर का प्रोजेक्ट हो, चाहे फिर भविष्य में रेलवे टूरिज्म हो, चाहे भविष्य में बुग्यालों को खोलकर अंधाधुंध पर्यटन का ये सब हो। तो इसीलिए आज समय आ गया है कि पूरे उसमें हम सरकार को हम हर जगह बोले कि देखिए आपका पहले नजरिया। और 2010 में वैज्ञानिक जो हम बात ये कह रहे हैं सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, 2010 में प्लानिंग कमीशन ने बात कह दी थी हिमालय को रेवेन्यू जनरेशन के नजरिए से मत देखिए, आप समाप्त कर देंगे इसे आप। और इसलिए उन्होंने कहा कि EIA भी दूर की बात, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट तो प्रोजेक्ट ओरिएंटेड होता है, उन्होंने कहा हिमालय के प्रति आप दृष्टि अपनाइए SEA स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल एनालिसिस का उन्होंने टर्म दिया कि भाई आप स्ट्रेटेजिक रूप से देख लीजिए आपकी। और उसमें सब आ जाता है, उसमें सबसे पहली बात आएगी कि कैरिंग कैपेसिटी धारण क्षमता क्या है हमारी इन घाटियों की, कितना पार्किंग कर सकती हैं सस्ते, कितना इनका रिसोर्सेस सही रहेगा, ग्रीन कवर मेंटेन होना चाहिए। इसीलिए हम ये कह रहे हैं, हम लोगों ने भी जो बात शुरू कही थी और इस गंगा के एक्ट में भी और शुरू से इको सेंसिटिव जोन में भी हम बात के सिद्धांत होना चाहिए कि ग्लेशियर से एक नीचे 100-150 किलोमीटर के दूरी तक कॉन्सिक्वेंशियल रिडक्शन ग्रीन कवर में बिल्कुल भी ना हो, हमारा हरित क्षेत्र कायम रहे और वो बढ़े। अब इस ढंग से फिर हम अपनी नीति और कायदे बनाए, लेकिन ये सब तभी होगा जब पहले हम अपनी विकास को लेकर अपने नजरिए को जरा दुरुस्त कर लें। हमें चार धाम रखना है कि चार दाम बनाने हैं, चार धाम रूप से रखना है तो अनुकूल रूप से उससे दाम भी मिल रहे थे और मिलते रहेंगे क्योंकि उसने हमेशा दिया है, लेकिन अगर चार दाम के रूप से हम देखेंगे तो हम इसको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। इसीलिए सामाजिक रूप से हमें ये दृष्टिकोण निर्धारित करने का समय आ गया कि इसको लेकर एक सस्टेनेबल हमारा नजरिया कायम हो। और व्यावहारिक रूप से जो है ये इको सेंसिटिव जोन का कॉन्सेप्ट जो 2012 में भागीरथी जोन के लिए ये तय हुआ पूरे हिमालय में ये कि घाटियों में लागू किया जाए और पूरे हिमालय की घाटियों में लागू किया जाएगा तो फिर इससे ग्रीन कवर मेंटेन रहेगा और भविष्य के पानी के स्रोत भी बचेंगे और भविष्य में ग्लेशियर पर जो ये वैश्विक संकट है क्लाइमेट चेंज का इसका भी हम सामना कर पाएंगे इस इको सेंसिटिव जोन की ढाल से। तो ये समय है कि सरकारों को इस पर कार्य करना चाहिए और इसीलिए राजेंद्र जी दिल्ली में अब इसकी मुहिम भी बढ़ाई जाए कि वो जो हमारा 2 साल पहले ये जो एक्ट का ड्राफ्ट दिया था कम से कम हिमालय पर आप उसको इम्प्लीमेंट करो, नोटिफाई करो आप पूरी की पूरी भूमि को, उस पूरे कैचमेंट को, और इस पर काम आगे बढ़े। ये धन्यवाद हेमंत जी। अभी भाई जी हम नेक्स्ट स्पीकर को आमंत्रित करें। हमारे नेक्स्ट पैनलिस्ट हैं डॉक्टर अंजल प्रकाश। नमस्कार सब लोगों को, और सबसे पहले तो मैं बहुत सारी मेरी संवेदनाएं उन लोगों के पीछे जो जिन्होंने अपने जान माल का नुकसान हुआ है इस भीषण त्रासदी में, और हम बहुत दुख के साथ हम ये व्यक्त करना चाहते हैं कि हमारे जो सिंसियर कंडोलेंसेस टू पीपल हु हैव डाइड इन दिस यू नो डिजास्टर। बिफोर वी स्टार्ट आई थिंक देयर हैज बीन द प्रीवियस पैनलिस्ट हैव ऑलरेडी बीन पॉइंटिंग आउट मेनी मेनी इश्यूज एंड आई विल नॉट लाइक टू रिपीट देम। व्हाट आई विल डू इज दैट ब्रिंग फॉरवर्ड द साइंटिफिक कम्युनिटीज पर्सपेक्टिव इनटू दिस डिस्कशन स्पेशली, एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम टू ऑफ माय प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। वन इज व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर 5 years आई हैव बीन वर्किंग विद ईसी मोड, इट्स governmental organization based in Kathmandu, and I was leading a project, part of a project which actually worked in the glaciated river basins, and that is Indus, Ganges and Brahmaputra, and we were trying to see how climate change is impacting the water regimes of these three rivers.
So that's number one. Second is my involvement with the IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change work. I was part of a special report on oceans and cryosphere. Cryosphere is the frozen part of the world, which is basically the glaciers. I will put forward my point in terms of what are the findings of these information that we have gathered over 3 to 4 years. And it was presented in 2018, and the report was out in 2019. Second is also about the HIMAP report. This was a high mount, the report which was called the mini assessment of Himalayas, and it looked at the Himalayan region as a whole, which is about 8 countries, but starting from Afghanistan going till Myanmar, and this is a shared resource. So what can be done to save these resources? Well, my short interjections here is based on the experience that I have. So here I would like to point out one very important point is that the disaster which has happened, definitely there's a strong climate link to it. And this is the global warming. And you have to understand that the normal global warming, which is about 1 degree already since the pre-industrial age, which has already been recorded, for Himalayan region, because of the elevation dependent warming, it is more than 1 degree. So if it is 1.5 degree, the projection is that Himalayan region will experience 1.8 to about 2.2 degree of warming. So the disaster which has happened actually has a lot to contribute to the global warming process. And there's the question here is then, could we have avoided this? So the problem also is that the glaciers are too many. There are 54,000 odd glaciers all across the Hindu Kush Himalayan regions. In the Uttarakhand itself, there are thousands of glaciers and a very few, I think in 2 digit or 1 digit only, that has been actually monitored. But the point that Nivedita has also made earlier, that the monitoring is very less, but glacier monitoring is one part of it. The second part is also about the information that feeds into from the glacier monitoring stations to the other things which is downstream, and that kind of information which needs to be feeding each other, that is something that needs strengthening. We also need to monitor, putting more resources so that we monitor a lot more than we are doing at this moment. Third part is I would like to focus here is what we call the climate change process. See, these are the region which is one of the poorest in terms of the access to resource. So if you see the basic access to water, sanitation, I have been working in these areas, and I would like to differentiate between two things. One is the infrastructure development, which is needed for people. Second is the different project which is coming in the name of the development. So that is a differentiation that I'd like to make here. I have been researching and doing anthropological field work in this area for about 5 to 7 years. And what I have seen in one place, when I was doing in Sikkim, working in Sikkim, I found that we had to walk about 20 kilometers from one place to another place to reach about, it takes almost half a day to reach a helmet. So there are very inaccessible areas. And it happened that there was a lady who was pregnant, 7 months pregnant. She developed some complication. She had to brought back to the nearest health center, which was again, she had to brought in a charpai. So these issues are also very important. Access to water supply. These are the highest rainfall areas. But if you see, women have to walk kilometers to just fetch water from the streams, local streams or dharas that they have. So in the name of development, definitely we need to probably bring in these basic needs that is required. And that is, I don't think there's any opinion about that they should not be there. So that's part number one in terms of the accessibility, in terms of road construction, in terms of bringing water supply and sanitation, health center, education, all these things has to be brought into the people. And these should not be, only because there's a project is coming. So when the project comes, especially the hydropower projects come, they are sold in the name of development, so that if the project comes, it'll also bring in these resources. But the basic rights of the people should be differentiated from the project, because that is something that we need to really be very careful about. So that's number one. Second is in terms of the hydropower projects. I think the increasing, the one of the major things that the IPCC report has brought out is about the increased climate risk. And this has been in the writing on the wall in terms of the information that we are there, that is there, that these areas are at a very high risk. So whatever you're building, you need to be very, very careful how you're building,
and what has been, what will be the implications of these buildings. So that is one thing that I think we need to be very, very clear in terms of the fragility of the mountain, one. Second is larger ecological planning that is there, and don't look at from project to project, but focus on the issues which is about protecting the fragility of the mountain as well as bringing in new development for people who where it is the basic rights, the human rights issues are also involved. So I'll rest my case here and I'll come back again on two issues. One is what can we learn about these things, about the disaster that has happened, and what is the way forward. I'll come back to it in the next round. Thank you so much. Thank you, Anjal. Can I check with the chair if I can call our last speaker? Yes, you can call. Okay. So, Mr. Ranjan Bora, the floor is yours. Am I audible? Yes. Okay. To be very honest, I am very delighted and privileged to be very talented and distinguished personalities. Ranjan, could you turn on your video? Yeah. It's my privilege and delight to be, eminent personalities. To be very honest, I am very new to Uttarakhand. In fact, I joined last year. I am basically from Assam. It's a plain valley of Brahmaputra. But being working with a disaster for last couple of years, it's also my focus on the implementation of community-based disaster risk management at a ground level. The present incident is really horrific. In fact, it's what we call, whether it's a man-made or it's a natural disaster, but ultimately relating to the climate change impact and also whatever the honorable speaker then raised the issues in terms of man-made sort of incidents. But looking in the context of Uttarakhand, probably the 2013 that's happened, Kedarna, that's also reminding for us, take some of the proactive initiatives in terms of preparedness, both at the community or also at a governance level. As per the report of today from the state control room, I tried to get some of the basic information, what's happening in the ground. As of now, the 465 numbers of households being affected, almost 12 number of places in the upper reaches of Josimath. At the same time, you also see the response activities being carried out by the NDRF, SDRF, and the ITBP personnel. So the terrain is really challenging. They need to do in a poor footing way in the all 24/7 hours. The basic function of disaster management, when you talk, in terms of preparedness and prevention, also, framing out the mitigation policy, we need to be little shifting from the response oriented to, disaster preparedness. So where I do see in this scenario, probably we have missed out some of the, base examples of 2013, what we have learned during 2013 and, replication of the, some of the best interventions in terms of the preparedness. This Indian Himalayan region is also have other seismic factors, like we are also prone to earthquake. We are in zone 4 and zone 5, that's all well known to all of the, interstate or probably at the community level, they also have this experience of Samoli earthquake of 1999. And going through this presentation, probably, I'll just make out few of the activities, probably, as a center at Center for Public Policy and Good Governance, we are making this space to be, resilient in terms of whatever development activities going on. It should be a, sustainable development goal, and also the SDGs vision statement by 2030. In fact, the incident which was happened, 7th of February, probably it's also lead to the goal, what we call glacial lake or Bruce flood. Probably, in the context of India, probably, this scenario has been arising. Probably we have the similar incidents in Himachal Pradesh, probably in 2005. There's a pressure river flash flood that's also related to glacial impact. And also the Kedarnath incident, that's also remind us to, similar situations. And going through this, all these incidents, at the apex level, at the central level, National Disaster Management Authority, they have come out with very specific guideline for all the states who are prone to similar sort of a disaster, whether it's related to glacial lake outburst, whether it's related to,
multi-hazard sort of disaster. I'll just highlight two, three important points from the guideline. And probably as a center, we are going to take these interventions with the support from other key stakeholder department, also input from the, you know, the extreme parliaments, because we are also talks about the good governance issue. The very first important, the NDMA guideline, they are mentioning that Himalaya Gulf and the mitigation policy, which is must for the Himalayan states, probably that's a very big agenda for the, you know, the states to come forward with a very specific mitigation policy for the, for, you know, those content in terms of, you know, considering those vulnerable factor. And the other one is we need to have Himalaya mitigation strategy for the Gulf related disaster. So right now, in the present scenario, probably we don't have this strategic approach in terms of, you know, Gulf related policy. And as a center, we definitely, you know, look forward to have some sort of initiative with the interventions from the stakeholder department and also input from the NDMA. The second one is they have explicitly highlighting the existing bylaws and regulation at our local body or state and the central level should be incorporated this, you know, Himalayan Gulf strategy mitigation policy. So again, that's coming out, review of the existing bylaw and the regulations and the fragile eco-sensitive zones. It also focuses on enforcement of law regulations and accountability. Anyway, one of the previous speaker, he has also mentioned about the accountability factor. Definitely, we need to enforce those laws in the context of this massive scale of disaster. At the same time, we need to have a specific land use policy for the Indian Himalayan region, for the region which are facing similar sort of disaster. It's not only about the Uttarakhand, probably we have a similar situation in Himalayas borders and Jammu Kashmir. Probably we need to have more sort of, specific line and policy for the Himalayan region. In the perspective of doable activities, probably we are still initiating some of the activities at the community level. As you know, the disaster management talks about three tier system. Like one is for the preparedness. When disaster is not happening, there's a, you know, lean time, probably you need to do a lot of community awareness program and preparedness planning at the districts, at the local level, and also at a micro level in the village. Probably this has to be, you know, mainstream all across the sector, not only the responsibility of the department. When you see this situation like this, probably also remind us, like whether it's an NTPC or a DG Ganga hydropower projects, they should have exclusively on-site and off-site disaster management plan. Probably as a preparedness, we have missed those sort of activities, whether they have, you know, those sort of plan or not. See what's happening in the ground right now. We are looking for, you know, dead bodies, and we are finding the rescuing effort, right? They have been moving to the field and trying to find out data. Why not these data set has been, you know, available prior to disaster? At least we should have their name, right? At least immediate compensations for those family. Probably we have missed out those specific inputs from the, you know, as per their whoever they, you know, organizations working in the ground, like whether it's an NTPC or maybe the Rishi Ganga hydropower project, they need to have a specific micromanagement plan for the disaster, whether it's on-site or off-site. So that need to be strengthened, right? So that's a lesson learned. We need to refocus whatever happening in the hydropower projects. Second important, probably, when it talks about resilience building, that's a very broad subject. At the same time, the 12 lays who are located in the upstream of Himalaya, the people who are getting suffered due to the disaster, they need to be resilient. Like they have been living there since, you know, long back. And they might have those best practices in terms of adaptations to, you know, the climatic conditions. Why don't you take their learnings in terms of building that resilience to the community-driven projects? So it's also not about the, you know, particular specific department like disaster management. It's also a cross-sectoral building approach. So we need to have a micro-level planning at the ground. Of course, early warning is another area we need to be very focused in terms of strengthening. Now, is a technology base, probably, you know, we have seen in the news that when the, you know, that was in around 10:30, the situation was happening somewhere in Josimar, probably that within the 10, 15 minutes, the news is plus everywhere. Within the WhatsApp, we have received those information. And to be very honest, that day, particularly, I was in Samoli districts in one of the block in Garishan. But
I just came to know that that's what happened, right? That rumors has been asked too. And at the same time, district administrations, in Haridwar and Rishikesh, they have, evacuated all those habitations who are residing in the nearby. We are very expert in response. Probably that's what I need to focus, we need to be build that resilience within the community. We need to focus more sort of training and capacity building. If you look at the funding pattern from the Government of India, the 15 finance grant, we don't have any scarcity of fund. We have enough money. We did enough money probably. We need to build the capacity building, not only to the community, also the trained officials who are, those sort of making early warning system to be more strong than. So, we need to have a lot more focus on intersectoral convergence. We need to reach beyond those, framework. And looking forward as a center, there's a new center, probably we all works on SDGs. We also focusing one of the areas on Gram Panchayat development plan. That's a micro level plan. We are focusing at the micro planning. So why not the Panchayat also come forward, and we as a center, some of the mitigations measure can be adopted at a local level. It's a siren. Many of our previous speaker, they have informed about siren. Yeah, we need to have those system at least within 10 minutes, within 15 minutes, probably we make have those early warning information and the people being evacuated that particular, hotspot. So I'm looking forward to be a part of this, eminent resource persons and your inputs so that our center can work on those specific actions for, minimizing risks, for the future risks, and to be lessons learned from this incident. Over to Simi Mehta. Simi, you want to take it from here? Thank you. Thank you so much, Mr. Ranjan. And it was really insightful. बहुत सारी चीजें हमें सीखने को और जानने को मिली है. सेकेंड राउंड में राजेंद्र सर, हम लोग थोड़ा क्वेश्चन एंड आंसर्स में थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो. बिल्कुल बिल्कुल. जी, थैंक यू सर. कुछ काफी इंटरेस्टिंग सवाल भी आए हैं हमारे चैट बॉक्स में, और कुछ लोगों ने हाईलाइट भी किया है कि वो किन से वो सवाल का जवाब चाहते हैं. तो इफ आई कैन बिगिन विद द लास्ट स्पीकर विद मिस्टर बोरा, देर आर टू क्वेश्चंस फॉर यू कि previous discussions, all the panelists have mentioned that there is a lot of challenge, the development versus development of whom actually, who is the development, for whom is the development for. तो उत्तराखंड के लोगों को के लिए कैसा alternate livelihood opportunities मुहैया किया जा सकता है? Do you have any idea whether they really want to move towards urbanization, or is it being imposed from them upon the top, from the top? Or also, when you have mentioned about about capacity building, so who is this capacity building for? Don't you think that the decision makers in the government needs to step up their capacity to listen to the real will of the people from the grassroots? And does this also mean capacity building and all these fancy stuff that does it fail to recognize the real capacity of the people to take care of themselves in the hill states, for example in Uttarakhand? If you can discuss on this. Yes, Simi, this seems to be a very tough question to give answer. But at the same time, the transition what we have seen during the last couple of years in terms of development, whether it's related to construction of hydropower and all, probably there's an agenda at the central level. Probably whether it's really required or not is very difficult in terms of assessment in the people perspective in their mind. As a center, probably we may take some of the interventions in terms of understanding of people perspective towards this sort of mega constructions, whether really required at a field or not. That's need to be taken up from at this, from our center
from the Center for Public Policy and Governance. But coming to the other question in terms of really building the capacity, both in terms of government officials and also for the community, right? This is, to be very honest, probably when you talk about the construction, so probably, you know, definitely we need to be very much focused on the policy level, starting from, you know, local level governance to the, you know, senior level. We need to have fair understanding about what is the policy implications, or what will be the, you know, cost in terms of getting those, you know, constructions specific to related to mega dams and other highway projects. At the same time, the technical capacity need to be enhanced, whether, you know, like in this scenario, probably we have missed out the smallest stage of early warning, you know, real-time early warning, and giving those messages to the, you know, vulnerable sections of people. Why you have failed? If it really failed, there might be, you know, missing out of technical capacities and the knowledge in terms of, you know, getting through those, you know, early warning messages. Probably in the context of, you know, Uttarakhand specific, we have the PIMR Institute nearby, like IIT Roorkee, Indian Institute of Hydrology, and probably we have the GP Pond National Institute of Himalayan Environment. Those are the technical research institute. As a center, we need to be more interactive, getting out there, you know, in scientific knowledge, their skills, and that has to be disseminated across the sector of the, you know, different government officials. At the same time, we need to have a robust mechanism at the community level to specify their knowledge enhancements for dealing with, you know, more risk reduction measures. Probably when you talk about a basic example, so, you know, when you see the situation like this, probably first come to my mind, you know, you have to be safe, right? You have to save your own life. At a community level, probably you, when you make a sort of micro planning for community-based disaster risk mitigations, we need to empower the community, both in terms of, you know, basic understanding of risks, also enhancing capacity related to, you know, basic rescue operations. And also we need to have some sort of, you know, equipment at a grassroots level, whether it's a panchayat office or maybe nearby institutions. So yeah, definitely. As related to 15 finance commissions, we don't have that scarcity of fund, but there's enough fund. Probably we need to make a strategy in terms of implementation of those program activities at a grassroots level. Yeah. Thank you, Mr. Ranjan. The next question is to Dr. Anjal. एक question है सर आपके लिए कि यह जो आपने अपना discussion दिया उसमें पुरुष प्रधान समाज के प्राकृतिक हवस के कारण हुआ है जो disaster हुआ है. महिलाओं को अगर decision making में शामिल किया गया होता तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते. What do you think? Do you agree with it, or do you think women have been sidelined in this whole development process? Or what is the solution? I totally agree, Simi, on this point. I think I have been telling that these are very masculine development process, which is actually works on the control of nature, how you can extract maximally from the nature. And I guess for Himalayan region, we need to really move forward and bring in more femininity in terms of the development process. That means that we need to bring in how we can flow with the nature. And it's also the point that development in, you know, will not be in contradiction with the wealth making or otherwise. I think the different form of development process that we are seeking for Himalayas will also actually would increase the not only the access to resources for the local community, and then bringing in decision making process in which women definitely have to be play a very central part of this whole process. See, you have to understand that the, you know, वहाँ पहाड़ों में कहावत है कि पानी और जवानी वो पहाड़ों में नहीं रहती है, वो बह जाती है, नीचे चली जाती है. तो आप ये देखें कि ज्यादातर जो दारोमदार है वो औरतों के ऊपर ही है. मैंने जितने भी फील्ड वर्क किए हैं ईस्टर्न और वेस्टर्न हमारे रीजन में, हमने देखा है कि औरतों की भूमिका जो है वो बहुत ही अहम है इकोनॉमी के हिसाब से, लेकिन उनका जो रिप्रेजेंटेशन है पंचायत लेवल पे वो बहुत कम है, और अदरवाइज भी जो है डिसीजन लेकिन फोरम्स है उनमें उनकी भूमिका बहुत कम है. तो ये बहुत ही सेंट्रल क्वेश्चन है, एंड आई रियली सपोर्ट द क्वेश्चन दैट पर्सन हु हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मूव फॉरवर्ड. श्योर, थैंक यू सर.
थैंक यू सर. हेमंत जी, आपके लिए ये सवाल है कि आपने एक मिस्टर हिमांशु ठक्कर हैं, वो सैंडर्प के काफ़ी जाने माने हस्ती हैं यहाँ पे. उन्होंने एक जगह लिखा है और कहा भी है कि प्राइवेट सेक्टर इज नो मोर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स एंड इट इज़ द गवर्नमेंट विच इज स्टिल पुशिंग इट एज अ ग्रीन सोर्स, क्लीन सोर्स. What are your views? What are the views of the hydropower as a source of energy? Why are governments still keen in pursuing it? And if you come to disaster management, a decentralized approach is critical. So, kya district level pe jo disaster management authority hai, are they adequately empowered? Sir, aapki kya raaye hai isme, Hemant ji? सर, क्या आप सुन पा रहे हैं? मुझे वो दिख नहीं रहे सिमी. हाँ है, प्लीज देयर. ये एंड में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो सेकंड इसका मैं सवाल का जवाब थोड़ा बोल सकती हूँ. मैम जी, मैम तो आपके लिए एक और सवाल है, आप अगर उसको लेना चाहें जी बताएं. तो वी कैन, यू कैन टेक इट टुगेदर कि आपने गांवों में सुविधाओं को उपलब्ध कराने की बात कही है कि वी शुड नॉट गो फॉर अर्बनाइजेशन, रादर वी शुड हैव ऑल द फैसिलिटीज इन द विलेजेस, इन द रूरल एरियाज आल्सो. लेकिन एक सवाल है मैम कि अगर ऐसा प्रोसेस में गांव तो गांव नहीं रहेंगे, ऐसी क्या सुविधाएं हैं जो गांवों को चाहिए और ऐसा क्या है कि उनके पास नहीं है? क्या उनके बगैर उनका जीवन यापन नहीं हो सकता है? शुड वी, डू वी नीड अ रिवर्स अर्बनाइजेशन इन इंडिया इन ऑर्डर टू सेव द एनवायरनमेंट? यस मैम, ओवर टू जी. ये जो आपने अभी सवाल किया उसका मैं पहले कह देती हूँ, रिवर्स अर्बनाइजेशन तभी होगा अगर गांव में रहने लायक स्थिति हो. द वेरी फैक्ट दैट वहां कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए माइग्रेशन हुआ है. पलायन का कारण ही ये है कि लाइवलीहुड नहीं है. कोई एक व्यक्ति है जिसकी अपनी खेती भी है, उसकी अगर बूढ़े माँ को या पिताजी को कुछ होता है तो उसके लिए अस्पताल ढंग का नहीं है. बच्चे के अगर अच्छी शिक्षा देना चाहता है, उसका एस्पिरेशन लेवल हाई है, उस तरह ढंग का स्कूल या कॉलेज या हायर एजुकेशन नहीं है. इस तरह की सुविधाएं हैं जो इतने सालों में हम बहुत ही कछुए की चाल से हम बढ़ाए जा रहे हैं, उसको प्रायोरिटाइज करना है. तो अगर हम रिमोट एरियाज तक भी ढंग का एजुकेशन, ढंग की हेल्थ केयर, इस तरह की चीज़ें दे सके और साथ साथ लिंक करें कि एक, जैसे मैंने किसी और सवाल के जवाब में भी दिया है कि होम बेस्ड, होम स्टे बेस्ड टूरिज्म हो, उसमें फ़ायदा ये है कि डायरेक्टली उस स्थानीय व्यक्ति को लाइवलीहुड मिलता है, ना कि कोई एक बाहर का इन्वेस्टर आके अपना होटल खड़ा करता है और उसी के फायदे की बात हो जाती है. सो बहुत सारी चीजें हैं जो लाइवलीहुड जनरेशन एट अ लोकल लेवल की जा सकती हैं, वहां के प्रीमियम प्रोडक्ट्स को, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, उनके मार्केटिंग को लेके, उनके प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग को लेके बहुत सारी चीजें की जा सकती है. पर ये सारी चीजें करने के लिए बेसिकली वहां अगर सपोर्टिंग चीजें ये हो, सपोर्टिंग नहीं कहना होगा, गलत होगा, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन अगर बेसिक हो तो आदमी आगे की सोचेगा. इस, ये मुझे कहने का मतलब था कि गांव में सुविधाएं उपलब्ध होना जरूरी है ताकि फिर हम वो माइग्रेशन की प्रोसेस के ही बेसिक तक एड्रेस कर सकेंगे. व्हेन इट कम्स टू डिजास्टर का द क्वेश्चन, आई थिंक कि पॉलिसी को लेके, आई मीन अप्रोच किस तरह का है, नहीं है, वो पूछा जा रहा है. क्या कहेंगे, डिसेंट्रलाइज है नहीं है. टू इट्स क्रेडिट, मैंने एक मेरी अपनी स्टोरी में भी लिखा था, उत्तराखंड हैज बीन वन ऑफ द फ्यू स्टेट्स इन द कंट्री वेयर दे हैव टेकन अप दिस फ्लड जोनेशन मैपिंग. ये फ्लड प्लेन्स को लेके एक लेजिस्लेशन भी ला चुके हैं उन लोगों का. अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट का जो स्टेट वाला उनका वेबसाइट है वहाँ देखेंगे, काफ़ी सारी स्टडीज हो चुकी हैं, डिजास्टर रिस्क असेसमेंट की बात हो चुकी है, देयर इज अ स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है अच्छा खासा, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक का भी कुछ कुछ जगह पर प्लान है,
जैसे अभी चमोली की जो घटना हुई है, तो जोशीमठ और बद्रीनाथ जहां पर बहुत ज्यादा फुटफॉल्स होते हैं यात्रियों के, टूरिस्ट के, तो उनके हिसाब से उन लोगों का एक टूरिज्म रिस्क हॉटस्पॉट वाला भी एक स्टडी हो चुका है. सो थ्योरी बहुत अच्छे से है, स्टडीज बहुत है, एनालिसिस बहुत है. व्हाट इज मिसिंग इज द लास्ट माइल कनेक्टिविटी. वहां पर डिसेंट्रलाइज स्टडीज और ये सब होने के बावजूद अगर उस गांव के उस लास्ट पर्सन को वो मैसेज नहीं मिलेगा या उन तक वो मैसेज पहुंचेगा ही नहीं, तो इतना सारा थ्योरी और अच्छा खासा ज्ञान का कोई फायदा नहीं है. सो दैट लास्ट माइल decentralized last mile connectivity is very important, and which inevitably is the case in most of the disasters. Thank you, ma'am. So closely related to your question, to your response, I would. Your voice is missing. Ma'am, am I audible? Yes, yeah. Ma'am, much better. Yeah, go. So closely related to your response, Nivedita ma'am, I go to Professor Punya. Sir, when in terms of scientific community and the policy makers and of course the people who are at the receiving end, everybody tends to speak in one language when it comes to discussion after a disaster. We all tend to be very wary about and skeptical about development, but people's memory is short. Just before this disaster struck in the first week of February, many people had forgotten the 2013 event. But why is it that people are forgetting and they are shaken up only after another destruction? This is especially for the scientific community and the policy making community, and they go on with all sorts of rampant expansion of infrastructure projects. What do you have to say about it, Dr. Simi? See, we as an academician, we have to bring the research, and those insights from the research need to be communicated in terms of research communication to the citizens and then also to the government, so that can be taken up and it must influence the policy, right? That is point number one. And second point is like a short memory thing. Definitely I think now the policy is so dynamic, that is not the thing anymore. But the important point that is emerging from the point number one, that decision maker should take the scientific inputs very seriously. When they say that we want to have a evidence-based policy, then how would your policy would be evidence-based when you are ignoring the scientific inputs? So I think that is the point that we should emphasize more. Now, coming back, because this is a general perception in the people, because they find themselves nowhere. They think that these things are happening again and again, and state is not serious about it, and they have given up. They have given up the hope. Now, I think coordination among the agencies is also very important. One agency is saying something, one institution is saying something, and then they have overlapping agenda. Like say there is a Wadia Institute for Himalayan Studies, then there is a other institutions like GSI is keeping the inventory of all the glaciers. Then there is a hydroelectric corporation, which is taken care by both by regulations from the state government as well as from the central government. But there need to be a one coordination agency which talks to everyone, takes everyday inputs, and then finally pass on their observations in terms of monitoring and giving the alerts as and when needed with other agencies in coordination, which could be district administration, state administration, other paramilitary services, and also of course NDMA and state disaster management authorities. So I think these all are part of governance, broad governance. So I think
this is the thing, which is because people have somehow, they are giving up their hopes that these things are happening again. Why no action? Why action is not taken? So I think this shows that particular reflection. But of course, scientific inputs should be taken seriously. Like, we publish the paper, but who reads the paper? Very important. What matters in the policy? So these questions should be highlighted. We should ask these questions again and again. Thank you, sir. Simanji was here. He just left, I think. Yeah, he just dropped out. He just dropped out. Should we move towards to the last session now, Simi? Yes. Nikhil, Nikhil who would want to pose a question. Okay. Nikhil, if you could quickly come in. Yes, thank you, Simi. Hi, I'm Nikhil. I'm from Goa. I would like to pose a question to the panelists. Now, in the context of the Upper Himalayan disaster that we witnessed in Uttarakhand, how can we compare the approach that our government is taking with that of our neighbors like maybe China, Nepal, Pakistan, Bhutan, and Myanmar, with whom we share the Himalayas? So if we look at this international perspective, so with respect to the technical know-how that they possess or with respect to the capabilities, how can we compare the approach that they have taken and with respect to disaster mitigation and with that of ours? Anyone could add a little about it, it would be great. Thank you so much. Thank you, Nikhil. Respected panelists, agar aap mein se koi is sawal ka kuch response de sakte hain to. I'm going to suggest if Dr. Anjal can give us a response since he's worked with this report. Thank you. Anjal? Yeah. Thank you. Thanks, Indira. Thanks so much. Yeah, so one is that each country has its own, what experience that one can actually, Nikhil, one can learn from. And I would like to here focus on Bhutan. Bhutan is where also has developed, it's very strongly developed the hydropower, but I have worked in Bhutan remotely and I had a project for the last 6-7 years and I've been working very closely with Bhutanese professionals. What I have seen and learned from them is that they are very meticulous about any project that comes in. I know that the highest body of Bhutan, including the kings and the prime ministers, sit on each and every project when the final level of project preparation has been done, and they have to really defend in terms of the environmental impact of these projects. Through this process, a very close scrutiny process, they have actually been able to manage and also harness the productivity of the ecosystem as well as the hydropower which actually is generated, and the hydropower which is the electricity which is generated in Bhutan actually goes as far as Odisha and Bihar and other remote areas in India. And they said they have a power pact agreement with India. So if you really want to develop some of these things, I guess the Bhutan example is very good. Second example I like to give you is about Nepal, where hydropower, microhydel, not the hydropower project as well. The microhydel is something, there's a small hydropower plant which is put in the village level, and they use current of the water in the high reaches of the Himalayas to generate electricity, and that's enough for the entire. In fact, there's a lot of surplus energy that they have generated, and that is another very good example of how you can actually bring in the basic necessities of the people without harming the environment. So very quickly, two example, and there's a lot of example in terms of the data collections, in terms of sharing, but there are still a lot of hurdles in terms of data sharing, especially on glaciers, because the security concerns at the international levels are still dominate the sharing of data, and that's between India and Pakistan, India and China, and a lot of other countries. So that is another thing, hurdle that we have in terms of monitoring of the glaciers. Thank you, sir. Thank you so much. So we'll move on, Rajendra sir. Hum log last round mein jaate hain. Way forward puchenge sare panelists se, if that is okay, and then we'll come back to you. Ye theek rahega ki sabko jara sun le aage kya karna hai. So respected panelists, if we can go to each one of you and
फोकस ऑन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड अकॉर्डिंग टू यू, कैसे अब हम लोग एनालिसिस से एक्शन की तरफ बढ़े ताकि ऐसे डिजास्टर्स हमें दोबारा न देखना पड़े. सो प्रोफेसर पुनिया, इफ वी कैन स्टार्ट विथ यू. I think I have already said a few points. One thing that is key is governance. Okay. The governance should include input from the research community, and it should also make it transdisciplinary in nature, where they should get the feedback from all stakeholders. Like in this case, there is the stakeholders, the communities which are living in the Himalayan region. If you talk, say, from east to west, there are more than 10,000 glaciers, small or large. Monitoring is the key, monitoring and observation, but there are a lot of gaps there. You know, forecasting comes at a later stage. When we don't have the monitoring and observation in terms of meteorological stations, of course, we have built a lot of satellites for space observation, like in terms of high resolution to the coarse resolution for snow monitoring, be it, different characterization of the snow, like dry snow, wet snow, dirty snow. So all those capabilities are there. But in terms of meteorological stations, because weather phenomena are very dynamic, especially in a high mountain region like Himalayas, they change very fast. So we need a real-time flow of the information, and the density of these observations should be high. If we have all these things in place, then at the third level, we should have sensor-based alert systems which should talk to each other, heterogeneous sensors, getting information in one place. It should be analyzed quickly, and then that information should be, first the critical information should be passed on to the agencies which are concerned with disaster, and second, the general information should be sent to the citizens as and when needed. When any alert need to be sent, and that is to be sent to the whole community, or say all people who are about to be, you know, impacted by that particular event. So these are three things there. Of course, governance, as I already said, it should be evidence-based, and scientific input should flow into the policy making and at the ground. And what could be, I think, last point, I would say, especially in disasters, the most critical thing is the response time. I think we have to work on that. The Sendai framework, where we have voluntarily signed the agreement, which is applicable from 2015 to 20, there are too many, you know, bulleted points, and we are signatory to that. And I think if we are serious, when we have signed, then it means that we have to be very serious in our business. It means we need to have pre-preparedness, and we have to also build a resilient infrastructure. And this resilience perspective should also be bred to the policy making, be it hydropower sector, or be it any kind of construction in ecological sensitive zone like Upper Himalayas. Thank you, sir. Thank you so much. Nivedita, ma'am, can we have your views as the way forward? Yes. I would like to add two, three things. One is a long-term thing which needs to be done, not just for Uttarakhand, but in fact across India. Students, say from middle school onward, need to be involved in the process of keeping tab of the local weather. Right now we lack, there's such a shortage of weather stations monitoring. We need those in large numbers. Government is doing its own thing at its own pace, but still there are, and monitoring weather is not, at a local level, it's not that big deal. So there are certain small things which can be done and which can be implemented, say at school level or local village level, through which these local level weather monitoring can be done. So that will make people aware of things in a better manner. Second is, there was this question about, glacier monitoring and all that. And as Professor Anjal, I think he mentioned that there are so few glaciers that are being monitored. Obviously, because, we... Sorry about that. So,
there are hardly, the glaciers are mostly situated at such high altitude. It's very difficult to reach those places. And when we were talking about livelihood for local people and all that, it is here that the local people would, you know, chip in so far better, because they are well versed with the geography, they are physically attuned to the altitude, and they can easily reach the higher altitudes. So why not train glaciologists through local people? That can be a long-term plan. And third, as I had mentioned in my common alerting protocol and also in my presentation thing, because this last mile connectivity is so important, the states have all things placed on paper, but we don't really take it to the last mile by involving the communities. It's only the government that is expected to do things, and that is somewhere the lacuna creeps in. The moment we involve the community, things would be far better. Last point which I would like to recall Anupam Mishra's example from Rajasthan he used to give in his presentation. I'm sure a lot of people know about his work in the field of water. He had done a presentation wherein he showed a photo of Rajasthan's lake, and it has a wonderful elephant's, I think, stone sculpture there. Along the lake's bank, along the water level. And even a small child from that village would be able to tell, okay, the water level has reached the elephant's leg. So much of water is available, and it would be available for us for so many months. So it would be either, if it is reached higher, it would be for the whole year. If it's reached a little lower, it would be for 8 months kind of stuff. These were the indigenous methods to learn from the nature. And somehow in the rush to have satellites and everything, we have been lacking, or we have failed to reach out to the community's wisdom, the traditional wisdom. That also needs to be incorporated somewhere, taken on board somewhere. Thank you. Thank you. Dr. Anjal, your views on the way forward? Yeah, Simi, there are many things that we could have done it, but the time is short. I'd like to focus only on the one point. One is that the point is that we need to listen to the science community a lot more than we actually do at this moment. See, climate change is here and now. It is impacting our lives day in and day out. Right? It's a new abnormal. So we need to learn how to we adapt and mitigate this whole things. Now, adaptation and mitigation, these two things we have to focus on. And there's a huge body of work in the scientific community which can actually inform policies. Unfortunately, at this moment, the bad economics and the politics which is informing certain policy measures, we need to listen to the science more. Thank you so much. Thank you, sir. Mr. Ranjan, over to you for your quick points. Mr. Ranjan. Hello. Yes, please. I'll just throw three specific points. One is, I'm drawing out a community-based DRR practices. Firstly, the local communities need to be, you know, more sort of a capacity building training program. Hello. Yeah, we can hear you. Yeah. For this, I'm just focusing on the community-based theater intervention. We need to be trained the local community, maybe some sort of a specialist training, and also right to information to cope up with the disasters in the mountain. Second one is it's all about the early warning. We need to have a robust early warning mechanism, so both, you know, down upstream and the downstream, and the last mile connectivity within the community. Again, CWC being a implementing agency. Hello. CWC being a nodal agency, probably we need to be work out more on the identification and digitization of the glacial lake and the water bodies in the Himalayan region. And finally, there should be a regular monitoring and a risk assessment of the major development projects should be mandatory, especially in the mountain region. So that's all about from my end. Thank you, sir.
Thank you so much. Indira ma'am, do you want to add before you can invite Rajendra sir? Yes. Thank you. Thank you, Simi, and thank you all the panelists for sharing your work, the work that you've done, and your ideas on what could be the action points as we can go forward. I think main things, I can just name a few of the main things that came out. And I think one of them was that, can we explore a different model of development for such a sensitive, eco-sensitive region like the Himalaya? That was one that really came out from several speakers. And at the same time, balancing, taking into account the points that Anjal made, that how do we ensure that the people who are living there get access to the basic services, which was also a point that was made by Nivedita also, when we spoke about migration from the hills to the plains. I think the other issue that came across very strongly was accountability. And this accountability, I think, is not only for this strategy, for this tragedy, but accountability for the way different projects are designed and implemented, accountability for the lack of implementation of frameworks that we have in place. I think that's something we need to focus on. And also looking more at a lot of discussion was around looking at disaster preparedness, resilience, including resilience of infrastructure. I think, can we also explore and how do we prevent the disasters from happening? See, disasters are going to happen in this area, given the geology of these mountains. They are going to happen because of global warming. Do we really want to continue adding, you know, what we are doing in the Himalayas so that we actually escalate and increase the number of disasters that are happening there? So can we focus on disaster prevention? And that is again linked to the kind of development model that we can propose in this region. And several suggestions also came from Nivedita about this, how you can involve the local community and also look at, you know, a home-based tourism, etc. Yes, I think even Rajendra Bhai had said, let us look at science with sense. And even Dr. Punya and even Anjal made a plea that we need to listen to science more and they should inform our policy and our practice more. So I think that's all for now. And can I request Dr. Rajendra Singh to give his closing remarks and his observations on the discussions that we had so far. Rajendra sir, over to you. Sir, unmute karna. Ek bar unmute karna hoga. Is he unmuted? Okay. हाँ अभी हो गया जी जी सर जी जी हो गया मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आज आपका पैनल वाकई साइंस विद सेंस थोड़ी साइंस को सेंस के साथ बताने की कोशिश कर रहा था इसलिए पूनिया जी ने बहुत अच्छे से अपनी बातचीत को साइंस को और इंडियन सेंस को जोड़ के रखने की कोशिश की बट जो गवर्नेंस का इशू है वो बहुत महत्वपूर्ण है जब तक हमारी इन सब डिजास्टर से बचने के लिए हमारा गवर्नेंस ठीक से नहीं होगा एक तरह से सरकार में और रिसर्चर्स में और रिसर्च करने वाली सारी इंस्टीट्यूशंस में एक समग्रता नहीं होगी और दूर तक देखकर समाधान ढूंढने का सनातन नजरिया नहीं होगा तो ये जो डिजास्टर हैं ये बराबर बढ़ते रहेंगे मुझे अच्छा लगा जब अंजल प्रकाश बोल रहे थे उन्होंने भी यही कोशिश की कि भाई हिमालय केवल ये सवाल केवल भारत का नहीं बल्कि हिंदू कुश जितने भी राष्ट्र हैं वो सब एक साथ इस हिमालय में जो डिजास्टर हो रहा है उसके समाधान में समग्रता से सोचने की चिंता करें और इसमें यदि हम टुकड़े टुकड़ों में देखेंगे तो हिमालय
एक केवल भारत में ये संकट हो ऐसा नहीं, ये दूसरे राज्यों में भी है, दूसरे राष्ट्रों में भी है। ये केवल अभी उत्तराखंड में इसलिए ज्यादा दिख रहा है क्योंकि उत्तराखंड ने नया इंटरवेंशन, नया डेवलपमेंट विद डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्ट्रक्शन एंड डिजास्टर वाला जो डेवलपमेंट है उस रास्ते पर चला है, इसलिए अभी हमारे उत्तराखंड में ये घटनाएं ज्यादा दिख रही हैं। हेमंत ने बहुत कोशिश की ये याद दिलाने की कि इस देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जिसकी आत्मा में गंगा बहती थी, जिसके सिर पर हिमालय बैठा था और जो भारतीय आस्था और पर्यावरण की चिंता से जुड़ा हुआ इंसान था, यदि उसको इस सरकार ने नहीं सुना तो ये सरकारें किसको सुनेंगी। उसकी चिंता वाजिब थी। नवदीता ने बहुत अच्छे से चीजों को रखने की कोशिश की और बहुत बहुत थोड़ा सच्चाई को बिना डरे बोलने की एक अच्छी कोशिश नवदीता के प्रेजेंटेशन में दिखी। रंजन बोरा ने भी जो उनका अपना एक नजरिया है उस नजरिए से अपनी बातों को रखा, इसलिए मैं कह सकता हूं कि आज जो भी पैनल था वो पैनल बहुत जिम्मेदार और जवाबदेही के साथ अपनी बातें रख रहा था। समी जिस तरीके से सवालों को, समी मेहता ने जिस तरह से सवालों को ठीक से रखा हमारे पैनल के सामने, उन्होंने भी बहुत अच्छे से जवाब दिए। इस पूरी चर्चा के बाद मुझे तीन चार बातें छोटे में कहनी है। देखिए, हिमालय और उससे निकलने वाली नदियां, मुझे बहुत अच्छे से याद है 74 के बाद उत्तराखंड के लोग खुद बोलने लगे थे कि हमारी जवानी, हमारा पानी और हमारी किसानी ये बिगड़ रही है, ये ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है और यदि उत्तराखंड अलग स्वतंत्र राज्य बनेगा तो हम अपनी जवानी को उत्तराखंड में रोकेंगे, अपने पानी का ठीक से प्रबंधन करेंगे। पर ठीक से प्रबंधन करने का वक्त, उस वक्त ये स्लोगन नहीं था कि बड़े डैम बनाएंगे, उस वक्त था कि उत्तराखंड के नौले, गदारे, जितने स्प्रिंग्स है उनको रिजुनेट करेंगे। उत्तराखंड राज्य बन गया, लेकिन उत्तराखंड ने, उत्तराखंड राज्य बनने के जो जिन नारों के ऊपर उत्तराखंड बना था, उन नारों को उत्तराखंड भूल गया। इसलिए उत्तराखंड आज सबसे ज्यादा डिजास्टर भोग रहा है। आज के इस पूरे पैनल डिस्कशन में 92 के बाद जो 5 डिजास्टर हुए, उनमें से ज्यादातर 2 डिजास्टर के बारे में और 3 डिजास्टर के बारे में बताया गया। जितने भी डिजास्टर हुए हैं वो हिमालय में जो ब्लास्ट होता है, ब्लास्टिंग होता है, ब्लास्टिंग को काउंट करने वाला जो सुपर कंप्यूटर है वो केवल एक ब्लास्ट में जितना उसका फ्रैक्चर्स पर असर होता है वो दिखाता है और ब्लास्टिंग तो कंटिन्यू होती रहती है। तो आप कल्पना करिए कि ब्लास्टिंग से जो कंप्यूटर में एक बार की ब्लास्टिंग का जो दरार है या जो कंपन है वो काउंट हर बार अलग अलग काउंट होती है, लेकिन जो कंटिन्यूएशन ऑफ द ब्लास्टिंग है हिमालय में, उसका असर क्या हो रहा होगा हिमालय के अंदर, इसको किसी ने ठीक से, यदि आज प्रेजेंटेशन में आती ये बातें तो अच्छा लगता कि हिमालय में जो डिजास्टर हो रहा है और ये जो 5 डिजास्टर का जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं 92 के बाद, वो पांचों के पांचों डिजास्टर केवल और केवल, माफ करना, ब्लास्टिंग का जो इम्पैक्ट है हिमालय पर, जिस ब्लास्टिंग ने हिमालय को हिला दिया है, हिले हुए हिमालय की कंपन में इन सब घटनाओं का कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल हिमालय के हिलने से ये हुआ है,
लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिमालय में जो डिजास्टर हुए, अरे बूढ़ा केदार में जब 93 के आसपास जो डिजास्टर हुआ था वो क्या था, जो नीचे की तरफ जो सब उसके बाद जब पूरी एक नदी रुक गई थी ऊपर से आते दफे, वो क्या था? ये सब हिमालय का हिलना है और हिमालय को हिलाया है हमने ब्लास्ट करके, और उसके कारण जो हिमालय की ऊपर की नदियों से जो बायो जो तेजी से स्ट्रीम्स में और स्प्रिंग्स में पानी आता था, उसके कारण हिमालय की नदियों का जो बायोफास था पानी का वो बढ़ता जाता था, उसमें उसका हिमालय की जड़ी बूटियों का औषधीय गुण और उसकी जो वाइट एस होती है हिमालय के पत्थरों की सिल, वो सब जब तक हमारे गंगा जल के साथ फ्लो करती थी तब तक उसको हम गंगत्व ब्रह्मसत्व ये सब बोलते थे अंग्रेजी में, फिर उसका एक बायोफास उसको कहने लगे। ये अब घट रहा है, अब ये बिगड़ रहा है। अब इस सब का रिश्ता अब मेरे से आप पूछ सकते हैं कि भाई इस डिजास्टर के साथ क्या है? इस सब का रिश्ता इस डिजास्टर के साथ बहुत भयानक है। जब आपका डिजास्टर होता है ऊपर से सब नदियों का जो चरित्र है जो करैक्टर है वो बदल जाता है, उसके फ्लो बदल जाते हैं, उसके नेचुरल फ्लो एनवायरमेंटल फ्लो सब डिस्टर्ब होते हैं आपके डिजास्टर से। उस पर भी हमें आज थोड़ा इस आज की बातचीत में यदि हम उसको उभार पाते कि हमारी हिमालय की स्ट्रीम्स के जो नेचुरल फ्लो हैं जो एनवायरमेंटल फ्लो हैं वो डिस्टर्ब होने से इंडिया के 65 करोड़ लोगों की हेल्थ के साथ जो उस जल का रिश्ता है उसका क्या असर होगा, वो भी थोड़ी बात सामने आती तो अच्छा लगता। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि हिमालय भारत का प्राण है, पानी देता है पूरे भारत को और अन्न देता है। हिमालय हमें जल जो भी कुछ जल और अन्न है वो देता है, और उसको हम केवल बिजली लेने के चक्कर में उसको नष्ट कर देंगे तो हमारा जो भविष्य है वो भयानक खतरे में होगा। और ये खतरा क्यों हो रहा है, पुनिया जी मैं आपको संबोधित करते हुए बोल रहा हूं, ये खतरा इसलिए हो रहा है कि जो हमारे टेक्नोलॉजिस्ट हैं और इंजीनियर्स हैं वो हमारे साइंटिस्ट का रेस्पेक्ट नहीं करते। वो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग से सारे सॉल्यूशन एक्सप्लोर करते हैं और साइंटिस्ट को इग्नोर कर देते हैं। जो साइंटिस्ट जिसके अंदर सेंस है, जो चीजों को समग्रता से देखते हैं इंटीग्रेशन से देखते हैं, वो टेक्नोक्रेट हमेशा उसको डिसइंटीग्रेट करके देखता है, इंजीनियरिंग उसको डिसइंटीग्रेट करके देखती है। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है इस डिजास्टर के पीछे वो एक ये भी है कि हमारे टेक्नोक्रेट हमारे इंजीनियर्स हमारे साइंटिस्ट को उतना रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जितना रेस्पेक्ट उनको मिलना चाहिए। उनकी साइंस विद सेंस को आगे लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं एक्शन में सबसे पहले ये कहना चाहूंगा पुनिया जी आपको संबोधित करते हुए कि क्या हम अपने इंजीनियर्स को टेक्नोक्रेट्स को थोड़ा बैठा के ये साइंस विद सेंस नहीं समझा सकते क्या? हमें थोड़ी एक पहल करनी चाहिए अब कि ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं, भाई मैं तो भी 25-26 साल से जूझ रहा हूं हिमालय में गंगा के मसले पर, खासकर जो गंगा को बनाने वाली नदियां हैं उन पर जो बांध बन रहे थे उनके विरोध में हमारे तरुण भारत संघ के उपाध्यक्ष प्रोफेसर जीडी अग्रवाल ने प्राण दिए, तो तब से मेरा मन तो बहुत दुखी है और मुझे लगता है कि अब हमें और सब काम छोड़ के केवल गंगा जी के लिए हिमालय के लिए ही काम करना चाहिए। इसीलिए हमारा ज्यादा फोकस इन दिनों उसी पर है, क्योंकि जीडी अग्रवाल ने मुझे 2006 में कहा था कि राजेंद्र अब तुम तरुण नहीं हो इसलिए तरुण भारत संघ को छोड़ दो, तो हम तो तभी छोड़ने को तैयार थे, लेकिन ये इंदिरा बहन वगैरह वगैरह सब कहती हैं कि नहीं हमें रहना चाहिए, इसलिए हम हैं वहां नाम के लिए, बाकी काम तो हम हिमालय और गंगा के लिए ही सोचते हैं। इसलिए मेरी जो चिंता है
अब वो चिंता ये है कि क्या हम हिमालय की हरियाली और नदियों की पवित्रता बचाने के लिए अपनी साइंस को विद सेंस और साइंस को पीपल साइंस की तरह कुछ काम ले सकते हैं क्या, और इन टेक्नोक्रेट और इंजीनियर को थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं क्या, सिखा सकते हैं क्या कि हिमालय की और गंगा की और नदियों की जो प्रॉब्लम है वो इंटीग्रेटेड है, वो डिसइंटीग्रेट करके नहीं देखी जा सकती, तभी हम डिजास्टरों से बच सकते हैं। तुम मेरे साथियों ने जो आज डिजास्टर के बारे में आप सबने जो बोला उससे मुझे कोई असहमति नहीं है, इसलिए मैं उनको बार बार कोट करने की जरूरत नहीं समझता। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये जो हिमालय में डिजास्टर हो रहे हैं, इन डिजास्टर को हम अपने अपनी पॉलिटिकल विल और अपने टेक्नोक्रेट्स और इंजीनियर्स को थोड़ा जोड़ने की कोशिश करें, और वो संभव है। मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो असंभव है, मुझे लगता है, मैंने देखा है, थोड़ा टाइम टेकिंग काम है लेकिन ये लोग तैयार हो जाते हैं। तो एक तो मैं ये कहूंगा कि हमारा जो गवर्नेंस का सिस्टम है, जो हमारी गवर्नेंस है, उसको थोड़ा समग्रता से इंटीग्रेटेड करके थोड़ा इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि हिमालय की हरियाली और हिमालय से निकलने वाली नदियों की पवित्रता और उनके फ्लो को स्लो करना, उनके फ्लो को रोकना नहीं, हिमालय से निकलने वाली स्ट्रीम्स के फ्लो को वेजिटेशन के द्वारा, हरियाली के द्वारा स्लो करना। यदि हम हिमालय के स्ट्रीम के फ्लो को स्लो कर देंगे तो ये ऐसे ये जो डिजास्टर हैं, इन डिजास्टर से बचने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर हरियाली बढ़ेगी। तो हरियाली कई बार ऐसे रिस्क को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। हमें हमारा ध्यान इस वक्त हिमालय की हरियाली पर नहीं है, इसलिए ये जो ग्लेशियर की मॉनिटरिंग का काम था एक जमाने में बहुत अच्छे से होता था, अब हमने उसकी मॉनिटरिंग ही रोक दी। अब इस वक्त भारत में शोध करने वाली संस्थाएं और भारत के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, उनको एक तरह से उनकी बातों को, साइंटिफिक बातों को हमारी सरकार और हमारा पॉलिटिशियन इग्नोर कर रहा है, उनके लिए वो इंपॉर्टेंट बातें नहीं है। इसलिए हम कुछ क्या ये सोच सकते हैं कि हम अपनी पॉलिटिकल विल में थोड़ी ये जो साइंस है, इस साइंस की जो शोध है, जो रिसर्च है, वो थोड़ा उनके उनके कानों तक पहुंचाए और उसको प्रभावी बनाए। इंफॉर्मेशन का जो तंत्र है, जो ऐसे डिजास्टर आने से पहले की सूचनाएं और डिजास्टर होने के बाद अलर्ट की सूचनाएं तुरंत, इसका तो सिस्टम बनाना ही चाहिए, और इसका सिस्टम तो हमारे टेक्नोक्रेट और इंजीनियर के लिए थोड़ा आसान है, बट उसको इफेक्टिव कैसे करें, उसको एक्ट में कैसे लेके आए, वो कैसे अपने आप खतरा आने से पहले हमारे लोगों को, प्यूपिल्स को अलर्ट कर सके, वो बनाने की जरूरत है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि हम थोड़ा अब अपनी इंडियन जुडिशरी को भी और अपनी पॉलिटिकल विल को भी और अपने टेक्नोक्रेट और इंजीनियरों को भी और हमारे एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट को भी थोड़ा अपने मतभेद बोलकर, अपनी आइडेंटिटी को भूलकर,
थोड़ा एक साथ बैठकर समाधान की तरफ बढ़ने की कुछ कोशिश होनी चाहिए। हम सब जब एक साथ बैठकर इसके सॉल्यूशन एक्सप्लोर करेंगे तो ही इफेक्टिव होंगे। हम यदि इन समस्याओं के टेक्निकल सॉल्यूशन बताएंगे तो वो टेम्परेरी हो सकते हैं, बट वो कदाचित सनातन नहीं हो सकते, कदाचित सस्टेनेबल नहीं हो सकते। इसलिए मैं आप सबका ज्यादा समय ना लेते हुए आखिर में एक बात ही कह के अपनी बात बंद करता हूं कि अब हिमालय की हरियाली और उससे निकलने वाली नदियों की पवित्रता, शुद्धता कैसे बना के रख सकते हैं। हमारी नदियों की जो स्पिरिचुअल, हमारे जो जंगल का जो ज्ञान है, अरण्य, उस सब को कैसे बचाने की जरूरत है। इसलिए क्या ये मॉडर्न साइंस इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम और इंडियन विजडम के साथ कुछ थोड़ा इंटीग्रेशन करके कुछ एक्सप्लोर किया जा सकता है क्या? इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम और इंडियन विजडम को हमने पिछले दिनों में बहुत इग्नोर किया है। हमें अब डिजास्टर मिटिगेशन और डिजास्टर एडेप्टेशन दोनों को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। हम इसको अडेप्ट करके कितना मिटिगेशन कर सकते हैं उस तरफ जाने की जरूरत है, और वो केवल टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में पॉसिबल नहीं है, वो साइंस विद सेंस में पॉसिबल है, वो इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम और इंडियन विजडम में पॉसिबल है। इसलिए हम इस डिजास्टर मुक्ति के लिए अब थोड़े लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों लेवल पर सॉल्यूशन ढूंढे। शॉर्ट टर्म पर तो आपका डिजास्टर से पहले और डिजास्टर की शुरुआत में और डिजास्टर के बाद सूचना तंत्र को ठीक करना, और लॉन्ग टर्म में गवर्नेंस को ठीक करना। गवर्नेंस के बिना आप आगे जा नहीं सकते। इसलिए दोस्तों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, मैं रियली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं समी तुम्हें और इंदिरा जी को। इंदिरा जी ने और तुमने दोनों ने मिलके जितने अच्छे हमारे पैनल के साथियों को ढूंढा है, मैं अपने सारे पैनलिस्ट को सल्यूट करना चाहता हूं कि वो थोड़ा हमारी जो साइंस विद सेंस को इस डिजास्टर मिटिगेशन में अच्छे से यूज करेंगे आगे, और गवर्नेंस सिस्टम को भी अपनी जिम्मेदारी हम माने। पुनिया जी, अब जिम्मेदारी हमें अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। अब हम जिम्मेदारी किस पर डालेंगे यार? अपने आप अपनी जिम्मेदारी लेकर कैसे इसको आगे जा सकते हैं वो जरा देखें। थैंक यू अंजल प्रकाश जी को, पुनिया जी को तो मैं अब क्या थैंक्स कहूं, उन्हें तो ये काम करना ही है, और रंजन बोरा को, हेमंत ध्यानी को, और हमारी बहन नवदिता ने बहुत अच्छे से बातें रखी। उन्होंने जो डिसेंट्रलाइज्ड पीपल्स, वो मेरे जरा दिल के करीब है कि इंडियन कम्युनिटी जब कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट पे जाती है तो वो थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसलिए हिमालय के स्प्रिंग्स को रिजुनेट करना है, ये सब काम करने की जरूरत है। हिमालय में हरियाली बढ़ाना और नदियों की पवित्रता बचाना, इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद राजेंद्र जी। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। अर्जुन, डॉक्टर अर्जुन, if you can just come in and quickly give the vote of thanks. Yes, thank you. And just let me propose the formal vote of thanks. Thank you. सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस डेलिब्रेशन में सबने भाग लिया और काफी चीजों को हाईलाइट भी किया। हमारे चेयर राजेंद्र सिंह जी ने भी बोला, एक तरफ तो भारत हम विश्व गुरु और हमारे कल्चर परंपरा काफी चीजों का नाम भी लेते हैं, लेकिन ये घटनाएं बार बार दर्शा रही हैं कि
एक तो हम गरीब देश भी हैं और हमारी मानसिकता भी गरीब है। बार बार जब हम बोल रहे हैं कि आर्गुमेंटेटिव इंडियन और कई सारे चीज आ रहे हैं, लेकिन ये वो भी 21वीं सदी में 2021 में जब हम देखेंगे कि कितनी भी बड़ी टेक कंपनी हो उसका संचालन भी भारतीय कर रहे हैं, और यह एक ऐसा विषय है कि कोई भी हो, सरकार से हो, कॉरपोरेट में हो, कोई भी हो, ये सबके करीब है। तो मुझे तो लगता है कि ये एक ऐसा नॉन पॉलिटिकल इशू है कि सब लोग इसमें कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। तो जैसे हमारे चेयर ने भी आज अभी बोला कि सबको जिम्मेवारी लेनी ही पड़ेगी और इन सब चीजों को देखना पड़ेगा, हम बार बार इस चीजों में भी देख रहे हैं कि हमारा कई सारा रिसोर्सेज, जान माल, और इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग ऑल्सो जब हम हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहे हैं कितने पैसे उसमें जा रहे हैं, अगर वो पैसा वहाँ के विकेंद्रीकरण, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास में जाए तो क्या वो बेहतर नहीं होगा। तो सच में हम एक तो समय के साथ पीछे जा रहे हैं, हमारे संसाधन भी जो सीमित है वो भी किस तरह से जा रहे हैं, प्लानिंग और एक कोऑर्डिनेशन का भी विषय आ रहा है। काफी अच्छे अच्छे चीजें भी आए, जैसे कि निविता मैम ने बोला कि रेस्ट्रिक्शंस को रैशनिंग करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, वो हम कैसे करें लोकल सेंस में, क्योंकि बहुत सारा टर्म तो हम यहाँ पे अंग्रेजी में भी बोल रहे हैं तो वो नीचे जाकर समझ में भी नहीं आ रहा, तो उसको कैसे देखे। एक तो लॉ की बात की सर ने, हेमंत सर ने, कि इकोसिस्टम जोन नोटिफिकेशन, स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट एनालिसिस और गंगा एक्ट और कई तरह की जो चीजें उस तरह की भी हैं उस पर भी हम सबका ध्यान जाए, विधायिका में या जहां भी उस पर वो हो। और कई सारे जो नए राज्य हैं, मैं झारखंड से आता हूँ, वहां भी हम देखेंगे कि बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और बहुत कंसल्टेंट भी आते हैं, बहुत चीजें होती हैं, चीज नहीं हो पाती। मुझे मौका भी मिला था उत्तराखंड के विजन डॉक्यूमेंट बनाने का, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट भी बनाने का इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट से, कई सब सेक्रेटरी और काफी लोगों से बात हुई। यह विषय सबके करीब है तो मुझे लगता है कि हम सब मिलकर इसमें काफी कुछ कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन और करप्शन गवर्नेंस की बातें भी बार बार हम बोल रहे थे, टेक्नोलॉजी, मेरे टीचर मिला पुण्या सर ने भी बोला कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है लेकिन वो वहां जाकर कारगर भी नहीं हो रहा है। हम क्या डिजिटल इंडिया मुहिम के साथ या कैसे इसको इंटीग्रेट करें, हमारे लीडरशिप भी, सब तरह की लीडरशिप भी चाहते हैं कि ये सारे चीजें आए और एक रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बने। लास्टली हेमंत सर ने जो एक बात भी बोली बहुत अच्छी कि क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला बने या हम तो इकोनॉमिक्स में उसे पेनाल्टी या फाइन कहते हैं, लेकिन कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर तय हो या अकाउंटेबिलिटी कहाँ हो, तो इस चीज पर सारे समाज और हम सब लोग, सारे सिटीजन भारत के साथ में आए। तो एक बार फिर से मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ आज के परामर्श में भाग लेने के लिए। इम्प्री इम्पैक्ट एंड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रभाव एवं नीति अनुसंधान संस्था, इंडिया वाटर पोर्टल और तरुण भारत संघ के तरफ से इस पैनल डिस्कशन में भाग लेने के लिए, उत्तराखंड फ्लड डिजास्टर 2.0 फ्रॉम एनालिसिस टू एक्शन, और आज के हमारे चेयर श्री राजेंद्र सिंह जी को और हमारे पैनलिस्ट अंजल प्रकाश सर, मिलाप पुनिया सर, निवेदिता मैम, हेमंत ध्यानी सर, रंजन बोरा सर ऑल्सो, और सिमी और इंदिरा मैम, एंड स्पेशल थैंक्स ऑल्सो टू इंदिरा मैम जिन्होंने प्रोग्राम को कन्विन पूरा किया और लीड किया और मेरे साथ काफी सहयोग दिया, मेरे और टीम के साथ भी, कि हम एक इन्फॉर्म डिबेट, और मनोज मिश्रा सर ने भी और मल्लिका मैम ने भी, काफी एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स ने, अमिता मैम ने भी, सबने इसमें सहयोग दिया और हम कोशिश करेंगे कि इससे कुछ अच्छा आउटपुट भी निकाले जो सारे एक्सपर्ट्स ने बोला है और सबके साथ साझा करें। और इसी के साथ मैं सबको फिर से धन्यवाद बोलता हूँ और हम सोचते हैं कि कैसे हम इस विषय पर और आगे कुछ कारगर कर पाए। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बिग थैंक्स टू इम्प्री, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स इंद्रा, थैंक्स एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू टू द पैनलिस्ट्स, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय।